हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू द डायरेक्ट टैक्स क्लासेस. टुडे बीइंग लेक्चर वन इज बेसिकली इंट्रोडक्शन. सो वी विल हैव अराउंड 86 टू 88 लेक्चर्स ऑफ 3 आवर्स ईच. तो आप लोगों को, आपके दोस्तों ने बताया होगा कि डायरेक्ट टैक्स बहुत टफ है. ऐसा कुछ भी नहीं है. डायरेक्ट टैक्स टफ नहीं है, इट इज टेक्निकल एंड वेरी वास्ट. कोर्स बहुत वास्ट है और टेक्निकल है, इन द सेंस कि आपको समझना है. जहां आप मगअप करेंगे तो इस कोर्स को नहीं कर पाएंगे. सो मेरी कोशिश इन क्लासेस में यही रहेगी कि आपको प्रॉपरली समझाया जाए, लॉ के बारे में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बताए जाएं, ताकि आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी और एग्जामिनेशन हॉल में भी दोनों जगह एक्सेल कर सके. सो टुडे विल बी टॉकिंग जनरल. सो आई टोल्ड यू वी हैव अराउंड 86 टू 88 लेक्चर्स ऑफ 3 आवर्स ईच. आपका पेपर 70 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस, एंड 30 मार्क्स इज MCQ. सो टोटल इट्स 100 मार्क्स पेपर. सो 30 मार्क्स इज MCQ. MCQ में बेसिकली ये लोग 15 क्वेश्चंस पूछते हैं ऑफ 2 मार्क्स ईच, और यहां पर आंसर एक ही होता है. 4 में से A, B, C, D 4 चॉइस होती है और आंसर एक ही होता है. और अगर आपने सही आंसर टिक किया, यू गेट 2 मार्क्स, अदरवाइज 0, नो सब्जेक्टिविटी. और इंस्टीट्यूट इतनी इंटेलिजेंट है कि इन MCQ में, हर एक MCQ में, एक MCQ में एटलीस्ट 4 कंसेप्ट्स आपसे पूछे जाते हैं. यानी 4 कंसेप्ट्स इंटू 15 MCQ, 60 कंसेप्ट आपके एक साथ टेस्ट कर जाते हैं. तो तभी मैंने कहा इस कोर्स को आप टेक्निकली करिए, लॉजिकली करिए, समझ के करिए, ताकि ये 30 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं. MCQs अभी हम करना नहीं शुरू कर पाएंगे, बिकॉज MCQs के लिए आपको परफेक्ट नॉलेज चाहिए. अराउंड 60 लेक्चर्स बाद मैं आपको MCQ की किताब दूंगा, जहां अराउंड 700 टू 800 MCQs हैं, और उन MCQs को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको लगेगा, यस, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड इन द CA एग्जामिनेशन. आपसे मगअप करके इस एग्जाम को पास नहीं कर सकते. आपके टोटल 5 मॉड्यूल्स होंगे, और मुझे मालूम है आखिरी दिन इन 5 मॉड्यूल्स को संभालना बहुत मुश्किल होता है. तो जब कोर्स कंप्लीट होने वाला होगा, लेट्स से अराउंड 70 लेक्चर्स बाद, मैं आपको एक समरी दूंगा. वो समरी होगी अराउंड 600 पेजेस, जहां पूरा कोर्स आपका समराइज होगा. सो इन 5 मॉड्यूल्स में हम सारा कोर्स कवर करेंगे. जैसे मैंने बताया कि 30 मार्क्स MCQs हैं, 70 मार्क्स के नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, एक ब्रेकअप और है आपका 30 मार्क्स. सो इसमें से 30 मार्क्स इज रिजर्व्ड फॉर इंटरनेशनल टैक्सेशन. उसमें MCQ भी हो सकते हैं और 70 मार्क्स का पोर्शन भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल, इंटरनेशनल टैक्सेशन इज 30 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स. So, 6 मार्क्स के MCQ हो सकते हैं और 24 मार्क्स के नॉर्मल क्वेश्चंस हो सकते हैं. इस कोर्स को करने के लिए आपको कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं है. हमारी क्लासेस सफिशिएंट है, मॉड्यूल सफिशिएंट है. आपको कोई भी किताब और रेफर नहीं करनी, इनकम टैक्स एक्ट रेफर नहीं करना, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल रेफर नहीं करना, ना ही सजेस्टेड आंसर रेफर करने. एवरीथिंग विल बी इन द मॉड्यूल्स. जितने भी लेटेस्ट हाई कोर्ट जजमेंट्स हैं,
लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं या फिर बोर्ड के सर्कुलर्स हैं, वो सारे आपके मॉड्यूल्स में इनकॉर्पोरेटेड है। आपको अगर कोई क्वेरीज आती है तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर क्वेरीज। यू कैन व्हाट्सएप मी एट 9810533993। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि विद इन 48 आवर्स आपकी क्वेरी आंसर कर दूं। बट क्या होता है कि इतने स्टूडेंट्स होते हैं, प्रेजेंट पास्ट, तो कई बार क्वेरी मिस भी हो जाती है। तो मुझे आप दोबारा से क्वेरी भेज दीजिए। आई विल सी टू इट दैट द क्वेरी गेट आंसर्ड एज सून एज पॉसिबल। आपका जो फर्स्ट मॉड्यूल आपको मिला है वो बेसिकली है PGBP। हम एब्रिविएशंस यूज करेंगे। PGBP मींस प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। शुरू के पेजेस रोमन में नंबरिंग है, रोमन नंबरिंग्स हैं। रोमन 2 पेज पर आपका सिलेबस दिया हुआ है, डायरेक्ट टैक्स लॉस एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन 100 मार्क्स। इसमें आप देखेंगे 70 मार्क्स इज डायरेक्ट टैक्स लॉस, दैट इज डोमेस्टिक टैक्सेशन, एंड 30 मार्क्स इज इंटरनेशनल टैक्सेशन। ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। मुझे कवर करने, सॉरी, मेरे साथ आपको कवर करने हैं। और इंटरनेशनल टैक्सेशन पर हमें ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि 30 नंबर आपके 100% खड़े उठ सकते हैं। तो मैंने कहा 30 नंबर का MCQ और 30 नंबर का इंटरनेशनल टैक्सेशन इज समथिंग विच इज वेरी वेरी स्कोरिंग। आप देखेंगे पिछले 1.5-2 साल में जो रिजल्ट्स आए, बच्चों के पहले DT में सबसे कम नंबर आते थे और अब DT में तो सबके एग्जेम्पशन होती है एंड पीपल आर गेटिंग मार्क्स अबव 70। इट इज फॉर द 2 रीजंस, MCQs अच्छे प्रिपेयर करते हैं लोग कंसेप्चुअली एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। उस नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो आप देखेंगे इंस्टीट्यूट ने वेटेज दी हुई है, सेक्शन वाइज वेटेज, कि एग्जाम में आपको किस टॉपिक से कितना कवरेज आएगी। सो ये मेरी गाइडलाइंस नहीं है, दिस आर द गाइडलाइंस इशूड विद ICI, जहां सेक्शन वाइज वेटेज है। एक बार कोर्स शुरू कर दें, 30 लेक्चर्स निकाल लेते हैं, उसके बाद दोबारा से इस सिलेबस को रिव्यू करेंगे, इस वेटेज को रिव्यू करेंगे और देखेंगे हम कहां पहुंच गए। सो फ्रेंड्स, आप लोग आएंगे पेज नंबर रोमन 19, तो मैं कई बार फ्रेम से बाहर निकल जाता हूं तो मुझे याद दिला दे करिए सर आप फ्रेम से बाहर हो गए हैं। सो पेज नंबर रोमन 19, आपके मे एंड नवंबर एग्जाम के लिए, May 22 एंड November 22 के लिए फाइनेंस एक्ट 2021 रेलेवेंट है। सो फाइनेंस एक्ट 2021 रेलेवेंट है और फाइनेंस मिनिस्ट्री का शुक्र गुजार रही है कि इस बार इतनी अमेंडमेंट्स नहीं आई हैं फाइनेंस एक्ट 21 से जितनी अमेंडमेंट्स थी फाइनेंस एक्ट 20 में। सो फाइनेंस एक्ट 21 से अमेंडमेंट ज्यादा नहीं आई हैं और जो कोविड रिलेटेड अमेंडमेंट आ रही हैं दे आर नॉट एप्लीकेबल टू यू। सो ये क्लैरिफिकेशन इंस्टीट्यूट ने मई 21, नवंबर 21 के लिए भी इशू की है और आप देखेंगे सेम क्लैरिफिकेशन विल बी इश्यूड बाय द ICI फॉर द मे 22 एंड नवंबर 22 एग्जाम
कि कोविड रिलेटेड अमेंडमेंट्स आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है. सो एज आई सेड फॉर मई 22 नवंबर 22 फाइनेंस एक्ट 21 विल बी एप्लीकेबल. फाइनेंस एक्ट 22 आ जाएगा फरवरी 2022 में आ जाएगा, बट वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा. तो जो बच्चे नवंबर 22 में दे रहे हैं उनके लिए यही क्लासेस रेलेवेंट है. फाइनेंस एक्ट 22 जो आएगा फरवरी 2022 में, दैट शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू यू. चलिए थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं. आपके लिए प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2022 रेलेवेंट है. हम प्रीवियस ईयर को एब्रीविएट करते हैं SPY. सो प्रीवियस ईयर 22 इज रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम. प्रीवियस ईयर 22 मींस जो इनकम्स आप अर्न करते हैं फ्रॉम 1/4 2021 टू 31 मार्च 2022, उसे हम बोलते हैं इनकम अर्न्ड इन प्रीवियस ईयर 31 मार्च 22. इनकम टैक्स में हमेशा हम लोग लॉ मेकर्स बोलते हैं इन रेफरेंस ऑफ असेसमेंट ईयर. असेसमेंट ईयर ऑलवेज फॉलोज द प्रीवियस ईयर. असेसमेंट ईयर को हम एब्रीविएट करते हैं एज AY. सो आई सेड असेसमेंट ईयर ऑलवेज फॉलोज द प्रीवियस ईयर. यानी प्रीवियस ईयर 22 को कौन फॉलो कर रहा है? असेसमेंट ईयर 22-23. सो जब हम कहते हैं इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर 22-23, इट मींस इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 22. आई रिपीट, हम जब बोलते हैं इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर 22-23, इट मींस द इनकम अर्न्ड इन द पीरियड 1/4 2021 to 31 मार्च 2022, दैट इज इनकम अर्न्ड इन प्रीवियस ईयर 22 इज कॉल्ड एज इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर 22-23. सो अगर आप पेज 19 देखे, रोमन 19, फॉर योर मे एंड नवंबर 2022 एग्जामिनेशंस, फाइनेंस एक्ट 2021 इज एप्लीकेबल फॉर यू पीपल. द प्रीवियस ईयर इज 1/4 21 to 31 मार्च 22. जो इनकम आप अर्न करेंगे इस पीरियड में, दैट इज टू बी टेस्टेड इन द एग्जाम, दैट इज प्रीवियस ईयर 22. हम प्रीवियस ईयर 22 को बोलते हैं एज इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर 22-23. एक बात और देखिए, असेसमेंट ईयर 22-23 मींस 1/4 22. सो असेसमेंट ईयर 22-23, इसमें कौन सा पीरियड आ गया? 1/4 2022 to 31 मार्च 2023. जैसे कि हम सेकेंड मॉड्यूल में पढ़ेंगे कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर. ड्यू डेट of filing the return of income is 31st October of the assessment year. अब देखिए, मेरा previous year 22 हो गया, इसे convert करिए assessment year में, assessment year 22-23, due date is 31st October of the assessment year. यानी 31st October falling in this period. यानी कि जो मैं income earn करूंगा 31st March 22 में, उसकी मुझे रिटर्न फाइल करनी होगी बाय 31st अक्टूबर 2022. इज इट क्लियर? अच्छा, एक बात और, लॉ मेकर्स
ऑलवेज टॉक्स इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट ईयर. आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे फाइनेंस एक्ट कहता है अमेंडमेंट एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/2022. इसे आप नोट कर लीजिए, पेज 19 के बॉटम में लिखिए, स्पेस है, पेज 19 रोमन 19 के बॉटम पे स्पेस है, वहां लिखिए अमेंडमेंट एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/2022. सो फाइनेंस है कहेगा कि अमेंडमेंट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/22. तो देखिए बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, वो सोचते हैं कि प्रीवियस से जो स्टार्ट होगा 1/4/22 उस अमेंडमेंट एप्लीकेबल है. नो, लॉ मेकर स्टॉक्स इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट ईयर मींस, सो इट मींस अमेंडमेंट एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 22-23. असेसमेंट ईयर 22-23 यानी कि प्रीवियस ईयर क्या हो गया मेरा 31 मार्च 2022. सो अमेंडमेंट इफेक्टिव फ्रॉम 1/4/22. लॉ मेकर्स ऑलवेज स्पीक्स इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट ईयर. सो व्हाट दे मीन इज असेसमेंट ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4/22 यानी असेसमेंट ईयर 22-23 से अमेंडमेंट है, यानी प्रीवियस ईयर 22 के लिए अमेंडमेंट एप्लीकेबल है. सो स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं जब इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल देखते हैं, वहां लिखा होता है अमेंडमेंट इफेक्टिव फ्रॉम 1/4/22. सो इट मींस असेसमेंट ईयर 22-23. देखिए क्या होता है, हर साल आपका बजट आता है, बजट हमेशा 1 फरवरी को आता है एक्सेप्ट इन केस ऑफ इलेक्शन ईयर. जिस साल में लोकसभा का इलेक्शन होता है उस साल में बजट आता है नई गवर्नमेंट बन जाने के बाद. सो बजट 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है, बजट ऑफ 2021. इसमें होता है फाइनेंस बिल 2021 जो बताता है कि हमने क्या क्या अमेंडमेंट्स किए हैं इन इनकम टैक्स एक्ट बाय दिस फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस बिल. सो फाइनेंस बिल 2021 इज अ पार्ट ऑफ द बजट. उसमें बताई जाती है कि क्या अमेंडमेंट्स हम कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट में. आप देखिए नॉर्मली ये अमेंडमेंट्स कब से होंगी, प्रीवियस ईयर स्टार्टिंग 1/4/21, बजट ही 1 फरवरी 2021 को आ रहा है, तो अमेंडमेंट लगेंगी फॉर प्रीवियस ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4/21 यानी कि अमेंडमेंट्स होंगी फॉर प्रीवियस ईयर स्टार्टिंग ऑन 1/4/21 एंडिंग ऑन 31 मार्च 22, दैट इज प्रीवियस ईयर 31 मार्च 22 यानी असेसमेंट हो गया मेरा 22-23. कई जगह गवर्नमेंट रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स भी करती है, जैसे इस बार फाइनेंस बिल जो एक्ट बन गया 21, फाइनेंस एक्ट 21, उसमें एक अमेंडमेंट आई है कि डेप्रिसिएशन विल नॉट बी अवेलेबल ऑन गुडविल ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन और प्रोफेशन. सो फाइनेंस एक्ट 21 में एक अमेंडमेंट आई है कि डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगी ऑन गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. और ये जो अमेंडमेंट आई है ये प्रीवियस या 21 से आ गई है, यानी असेसमेंट या 21-22 से आ गई है. तो जो अभी हम रिटर्न फाइल करेंगे प्रीवियस ईयर 21 की, उसमें यू कैन नॉट क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. सो आई सेड नॉर्मली अमेंडमेंट्स आर फॉर प्रीवियस ईयर 22, असेसमेंट ईयर 22-23, बट द गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स ऑल्सो. फिर जो फाइनेंस बिल होता है इस पर डिबेट होती है लोकसभा राज्यसभा में,
और लोकसभा राज्यसभा से पास करते हैं विद अमेंडमेंट्स, अगर कोई अमेंडमेंट्स प्रपोज करते हैं वो लोग, और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की असेंट मिलती है. सो आफ्टर द बिल इज पास बाय लोकसभा राज्यसभा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव्स द असेंट एंड देन इट बिकम्स फाइनेंस एक्ट 2021. सो दोस्तों, बेसिकली ये होता है फाइनेंस एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट्स करने का तरीका. बजट में एक पिंक कलर डॉक्यूमेंट होता है, हमेशा ही ट्रेडिशन रही है पिंक कलर, जिसे हम बोलते हैं मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द फाइनेंस बिल, जहां फाइनेंस मिनिस्ट्री इजी लैंग्वेज में समझाती है कि हमने अमेंडमेंट्स क्यों की हैं, रीजंस फॉर अमेंडमेंट दिए जाते हैं इन सिंपल लैंग्वेज. तो जहां भी फाइनेंस एक्ट 20, फाइनेंस एक्ट 21 की अमेंडमेंट्स हैं, आप देखेंगे मैंने मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द फाइनेंस बिल दिया हुआ है, जिसमें आपको समझ में आएगा गवर्नमेंट की लैंग्वेज में कि अमेंडमेंट्स के रीजन क्या है. सो दिस इज बेसिकली हाउ द फाइनेंस एक्ट मेक्स अमेंडमेंट्स. अच्छा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट दिस 5 मॉड्यूल्स. हर टॉपिक जो हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं. मैंने क्वेश्चंस कवर किए हैं फ्रॉम 1990 ऑनवर्ड्स टिल 2021. सो आप देखेंगे अराउंड 32 साल के क्वेश्चंस कवर्ड हैं. दे आर ड्यूली सॉल्व एज पर द न्यू फाइनेंस एक्ट. 32 साल मींस 32 इयर्स मींस 64 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं. कुछ क्वेश्चंस मैं भी कराऊंगा क्लास में, तो आप देखेंगे आपको कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दैट इज व्हाई आई सेड आपको सजेस्टेड आंसर्स आरटीपी कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं है. कुछ जनरल बातें करते हैं. आज आप जब रिटर्न फाइल करते हैं तो आपकी जो असेसमेंट होती है इनकम की, जो इनकम असेस होती है, वो करता है असेसिंग ऑफिसर. सो असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम असेस करता है. अब बच्चों के माइंड में डाउट आता है कि असेसिंग ऑफिसर कौन होता है. आपने सुना होगा कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, आपने सुना होगा चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, आपने सुना होगा सीआईटी अपील्स. क्या ये आपके असेसिंग ऑफिसर हो सकते हैं? नेवर नेवर नेवर. कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जिसे हम एब्रीवेट करते हैं सीआईटी, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जिसको हम एब्रीवेट करते हैं सीसीआईटी, सीआईटी अपील्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स, ये अथॉरिटीज होती हैं, बट ये असेसमेंट नहीं कर सकती. दे कैन नेवर बी द असेसिंग ऑफिसर. आपके असेसिंग ऑफिसर 3 तरह के होते हैं. एक होता है जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जेसी, उसके नीचे होता है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जिसे हम एब्रीवेट करते हैं डीसी, और सेम लेवल पर होता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जिसे हम एब्रीवेट करते हैं एसी. सो डीसी एसी हम इंटरचेंजेबल पोस्ट कहते हैं, और उससे नीचे होते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर. तो रैंक वाइज देखें, जेसी रैंक 1 है, सीनियर मोस्ट है, उससे नीचे होते हैं एसीडीसी, और उससे नीचे होते हैं आईटीओ. नॉर्मली जो बड़े केसेस होते हैं, जैसे रिलायंस का केस है, टाटा स्टील का केस है, वो हैंडल करता है जॉइंट कमिश्नर. जो मेडियोकर केसेस होते हैं उनको हैंडल करता है डीसी एंड एसी, और छोटे केसेस हैंडल करता है आईटीओ. अब खैर ये सब
मुझे इतना डिटेल में नहीं कराना, क्योंकि अब जो असेसमेंट है फेसलेस हो गई है। असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर नहीं करता, असेसमेंट करता है नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। सो एक नेशनल ई असेसमेंट सेंटर बना है जो फेसलेस है, वो आपकी असेसमेंट करता है। वो बात अलग है, वहां पर यही तीन लोग होते हैं, मतलब यही ऑफिसर्स होते हैं। ये हम बातें बाद में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली एओस असेसिंग ऑफिसर जो आपकी इनकम असेस करते हैं, हाईएस्ट लेवल पर होता है जेसी, उसके नीचे होता है एसीडीसी, एसीडीसी इज अ इंटरचेंजेबल पोस्ट, और उसके नीचे होता है आईटीओ। नॉर्मली आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस का एग्जाम पास करते हैं आईआरएस, आप यहां ज्वाइन करते हैं, और 10 साल की सर्विस के बाद यू आर प्रमोटेड एज जॉइंट कमिश्नर। इनकम टैक्स ऑफिसर बेसिकली जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स होते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स 20 साल की सर्विस के बाद उनको एक डिपार्टमेंटल एग्जाम देना होता है, एंड देन दे आर सेलेक्टेड एज आईटीओस। ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, आज सिर्फ एक एलिमेंट्री क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, जहां मैं आपको डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। तो दोस्तों, इनकम असेस करने की पावर किसके पास होती है? असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर होता है जेसी, एसीडीसी या आईटीओ। अब तो नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर बन गया है, जहां नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर आपकी असेसमेंट करता है, वो हम ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चंस? अगर मैं डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर देखूं, हायरार्की ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक बॉडी होती है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सो बेसिकली जो इनकम टैक्स है उसे सारा हैंडल करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री में सीबीडीटी। उसके नीचे होते हैं चीफ कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स, चीफ सीआईटी। चीफ सीआईटी को हम प्रिंसिपल चीफ सीआईटी भी बोलते हैं, चीफ सीआईटी को हम प्रिंसिपल चीफ सीआईटी भी बोलते हैं। इनके नीचे होते हैं सीआईटी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को हम प्रिंसिपल सीआईटी भी बोलते हैं। सेम लेवल पर होते हैं सीआईटी अपील्स, सेम लेवल्स पर होते हैं सीआईटी अपील्स। इसके नीचे होते हैं जेसी, जॉइंट कमिश्नर, इसके नीचे होता है एसीडीसी, इसके नीचे होता है आईटीओ। तो बेसिकली ये असेसमेंट का रोल करते हैं, दे आर द असेसिंग ऑफिसर्स, इनकम असेस करते हैं। सीआईटीपीएल सिर्फ अपील सुनता है, सीआईटीपीएल अगर एओ का ऑर्डर गलत है, उसने आपकी इनकम इंक्रीज कर दी, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप अपील कर सकते हैं अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एओ टू सीआईटीपीएल। सीआईटीपीएल का काम होता है सिर्फ अपील सुनना, दैट्स ऑल। अब आप कहेंगे इनका क्या रोल होता है, सीआईटी, चीफ सीआईटी, ये हम ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे। मैंने बस यहां लिखा हुआ है, आपको करने की जरूरत नहीं है, ये ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे। बेसिकली चीफ सीआईटी और सीआईटी, जिसको हम प्रिंसिपल चीफ सीआईटी भी बोलते हैं और प्रिंसिपल सीआईटी भी बोलते हैं, ये रिविजन करते हैं 263-264 में। इनकी एक पावर होती है रिविजन अंडर सेक्शन 263-264, जिस पर हम पूरे 3 घंटे लगाएंगे बाद में। सो आई सेड टुडे इज ओनली इंट्रोडक्शन, कुछ भी डिटेल में नहीं करना आपने, सिर्फ ऊपर ऊपर से समझ लीजिए इसे। क्या होता है देखिए,
ये जो सीआईटी होता है ये एओस को सुपरवाइज करता है, और जो चीफ सीआईटी होता है वो सुपरवाइज करता है किसको, सीआईटी को, सीआईटी अपील्स को। नॉर्मली क्या होता है, देखिए एक सीआईटी के अंदर अराउंड 100 एओस होते हैं, यानी ये सीआईटी 100 एओस के काम को सुपरवाइज करता है, एंड लेट्स से 20 सीआईटीज एंड 4 सीआईटी अपील्स के ऊपर होता है एक बॉस, चीफ सीआईटी। जैसे दिल्ली में 5 चीफ सीआईटी है, दिल्ली में 5 चीफ सीआईटी है, सो हर चीफ सीआईटी के अंदर होते हैं सीआईटी, सीआईटी अपील्स, उनको वो सुपरवाइज करता है। सो अभी इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, करेंगे हम धीरे धीरे। क्विकली एक बार रिपीट कर दो, आपका जो असेसमेंट होती है वो करता है एओ, एओ होता है आइदर जेसी और एसीडीसी और आईटीओ, इसके अलावा कोई और आपका एओ नहीं होगा। और अब तो असेसमेंट जो है फेसलेस होती है, एक नेशनल ई असेसमेंट सेंटर जिसे नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर भी बोलते हैं हम, वो बनाया गया है, वो असेसमेंट करता है, कैसे करता है वो हम करेंगे। डिपार्टमेंट की हायरार्की में टॉप पर होता है सीबीडीटी, तो क्या होता है, देखिए जेसीज एसीज आईटीओज ये रिपोर्ट करते हैं किसको, सीआईटी को, सीआईटी इंटर्न रिपोर्ट करते हैं किसको, चीफ सीआईटी को, चीफ सीआईटी इंटर्न किसको रिपोर्ट करता है, सीबीडीटी को। तो देखिए जैसे कि दिल्ली में फॉर एग्जांपल, दिल्ली में लेट्स से 2000 एओज हैं, तो क्या होगा, 20 सीआईटीज होंगे जिसके अंडर 100 एओज रख दिए जाएंगे, यानी हर सीआईटी 100 एओस का काम सुपरवाइज करेगा। ठीक है, अब दिल्ली में मान लीजिए 20 ही सीआईटी अपील्स हैं जो अपील सुनते हैं, और दिल्ली में 5 चीफ सीआईटी है, अब क्या होगा, 4 सीआईटीज और 4 सीआईटी अपील्स एक चीफ सीआईटी को रिपोर्ट करेंगे, ऐसे ही 4 सीआईटीज 4 सीआईटी अपील्स रिपोर्ट करेंगे 2 से चीफ सीआईटी को। सो टॉप मोस्ट इज सीबीडीटी, बिलो दैट यू हैव द चीफ सीआईटी, चीफ सीआईटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल चीफ सीआईटी, बिलो दैट यू हैव द सीआईटी, सीआईटी इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल सीआईटी, और सेम लेवल पर होता है सीआईटी अपील जो अपील सुनता है, और नीचे होते हैं इसके जेसी एसीडीसी एनआईटीओ, ये असेसमेंट का रोल करते हैं। सीआईटी प्रिंसिपल सीआईटी का काम क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे ग्रेजुअली, बट मैंने लिखा क्या, सीआईटी क्या करता है, सुपरवाइजर्स द एओज अंडर हिम, जो 100 एओज उसके अंडर है उनको सुपरवाइज करता है, प्लस उसके पास पावर होती है रिविजन करने की 263-264 में, बाकी सब चीज छोड़ दीजिए। ऐसे ही चीफ सीआईटी जिसको हम प्रिंसिपल चीफ सीआईटी बोलते हैं, उसको वो क्या करता है, ही सुपरवाइजेस द सीआईटीज, सीआईटी पीस अंडर हिम, एंड ही कैन आल्सो मेक रिविजन अंडर सेक्शन 263-264 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो दोस्तों मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको डिटेल में अभी कहीं नहीं जाना, इन सब इश्यूज पर हम जबरदस्त टाइम लगाने वाले हैं मॉड्यूल 2 में, जस्ट 2 मिनट्स, इससे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक को हम 3 घंटे डिवोट करते हैं मॉड्यूल 2 में। मैंने कहा चीफ सीआईटी और सीआईटी के पास पावर होती है टू मेक रिविजन अंडर सेक्शन 263 एंड 264, मोटा मोटा समझेंगे आप, डिटेल में नहीं जाएंगे आप। सो रिविजन ऑफ ऑर्डर, जो एओ का ऑर्डर है, जो असेसमेंट ऑर्डर है एओ का, उसमें अगर गलती है तो उसे रिवाइज करता है कौन, चीफ सीआईटी, सीआईटी
जिसको हम बोलते हैं इवन प्रिंसिपल चीफ सीआईटी एंड प्रिंसिपल सीआईटी। क्या होता है देखिए, एओ ने इनकम असेस की आपकी 20 लाख, ऑर्डर पास किया, इनकम असेस की 20 लाख, बट सीआईटी या चीफ सीआईटी को पता चलता है कि आपकी इनकम 25 लाख बनती है। अब पता चलता है कैसे, पता चलता है ये देखेंगे बाद में, कैसे पता चला सीआईटी चीफ सीआईटी को इनकम 25 लाख, ये बाद में देखेंगे। यानी ईओ ने इनकम कम असेस की है, तो सीआईटी चीफ सीआईटी 263 का ऑर्डर पास करके इनकम 5 लाख बढ़ा देंगे, ईओ का ऑर्डर रिवाइज कर देंगे। सो 263 में जो रिविजन होती है, जिसे करता है चीफ सीआईटी सीआईटी, उससे इनकम बढ़ाई जाती है। और क्या रिवाइज होता है? ऑर्डर ऑफ एओ, ऑर्डर ऑफ एओ, यानी कि ऑर्डर ऑफ एओ है उसमें इनकम कम निकाली गई है, देन सीआईटी चीफ सीआईटी हैज द पावर टू मेक रिविजन अंडर सेक्शन 263। सो 263 में क्या होता है, सीआईटी जिसे हम प्रिंसिपल सीआईटी भी बोलते हैं, चीफ सीआईटी जिसे हम प्रिंसिपल चीफ सीआईटी बोलते हैं, ये इनकम बढ़ाते हैं और क्या रिवाइज करते हैं, ऑर्डर ऑफ एओ, एओ को ऑर्डर चेंज करते हैं और इनकम बढ़ाते हैं। इससे किसको फायदा हो रहा है? डिपार्टमेंट को फायदा हो रहा है और एसएससी को नुकसान हो रहा है। मोटा मोटा इतना ही करना है आपने। सो बेसिकली 263 रिविजन से अगर एओ ने ऑर्डर पास किया हुआ है, ऑर्डर में इनकम कम असेस हुई है, तो सीआईटी चीफ सीआईटी जिसको हम प्रिंसिपल सीआईटी प्रिंसिपल चीफ सीआईटी भी बोलते हैं, वो एओ का ऑर्डर रिवाइज करके इनकम बढ़ा सकते हैं। दिस इज 263। इसके अलावा आपको कुछ नहीं जानना, इस पर हम टोटल 3 घंटे लगाएंगे मॉड्यूल 2 में। 264 मेरी रिटर्न इनकम थी 50 लाख, ईओ ने मेरे फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंसेस डिसअलाउ कर दिए 20 लाख के, कहा जी आप तो घूमने गए थे, आप तो पर्सनल ट्रिप पे गए थे, ये ऑफिशियल ट्रिप नहीं था, इसलिए ईओ ने 20 लाख के मेरे एक्सपेंसेस डिसअलाउ कर दिए। अब देखिए, मेरे पास दो रेमेडीज होती है इस एओ के ऑर्डर का केस। मैं सीआईटी अपील्स में जा सकता हूं, अपील कर सकता हूं, या फिर 264 में कमिश्नर के पास जा सकता हूं रिविजन के लिए। सो एओ ने अगर ऑर्डर पास करके मेरी इनकम बढ़ा दी है और मेरे हिसाब से एओ ने गलत किया है, इनकम नहीं बढ़नी चाहिए थी, तो मेरे पास दो रेमेडीज होती है, या तो मैं सीआईटी अपील्स के पास जा सकता हूं या फिर 264 में कमिश्नर के पास जा सकता हूं कि सर आप ये ऑर्डर रिवाइज करके इनकम ठीक कर दीजिए 50 लाख। रुक जाइए, आपके दिमाग में और होगा मैं कहां जाऊं, यहां जाऊं या यहां जाऊं, अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा। सो मैंने कहा कि एओ ने अगर इनकम बढ़ा दी आपकी, आपको लग रहा है गलत किया एओ ने, तो आपके पास दो रेमेडी है, या तो आप अपील कर सकते हैं या फिर 264 रिविजन में जा सकते हैं। क्या करेंगे आप वो हम अभी थोड़ी देर में देख लेते हैं। सो 264, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, रिटर्न इनकम थी 50 लाख, एओ ने 20 लाख एक्सपेंसेस डिसअलाउ कर दिए, 70 लाख इनकम असेस कर दी, आप 264 में जा सकते हैं और जो सीआईटी है चीफ सीआईटी है वो आपकी इनकम डिक्रीज कर सकता है, एओ को ऑर्डर रिवाइज कर देगा और कहेगा जी इनकम 50 लाख होनी चाहिए थी। अब ये जरूरी है कि 264 में हमेशा आपकी इनकम कम की जाए, सीआईटी ये भी बोल सकता है कि इनकम बिल्कुल ठीक असेस की है, इसलिए मैं ऑर्डर अफर्म कर रहा हूं एओ का। यानी 264 में असेसी गया तो क्या होगा, या तो इनकम रिड्यूस हो जाएगी या फिर वो ये कह देगा जी मैं सेटिस्फाइड हूं विद ऑर्डर ऑफ एओ, आई अफर्म द ऑर्डर ऑफ एओ। तो देखिए, इनकम अगर कम हो गई आपकी तो असेसी गेन कर रहा है, डिपार्टमेंट लूज कर रहा है।
ऑब्वियसली 263 कभी एसएससी अप्लाई नहीं करेगा, ये तो कमिश्नर खुद करता है। 264 में एप्लीकेशन एसएससी देगा। सो रिविजन ऑफ ऑर्डर्स ऑफ एओ बाय द कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, 263 में सीआईटी चीफ सीआईटी रिविजन करके इनकम बढ़ा देते हैं, उसका तरीका है करेंगे। 264 में रिविजन करके ऑफ ऑर्डर ऑफ एओ इनकम डिक्रीज कर दी जाती है या फिर ऑर्डर ऑफ एओ अफर्म कर दिया जाता है। तो जो असेसमेंट्स होती हैं तीन तरह की होती हैं, जो एओ असेसमेंट करता है तीन तरह की होती है। जो सबसे कॉमन असेसमेंट होती है उसे हम बोलते हैं रेगुलर असेसमेंट, स्क्रूटनी असेसमेंट, ये होती है अंडर सेक्शन 143(3). एक बात रट लीजिए, लॉजिक मत पूछिएगा अभी, ये असेसमेंट तभी पॉसिबल है अगर असेसी ने रिटर्न फाइल की है। अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल की तो 143(3) की जो रेगुलर असेसमेंट होती है जिसे हम स्क्रूटनी असेसमेंट बोलते हैं वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरह की असेसमेंट होती है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, जिसे हम एक्स पार्टी असेसमेंट बोलते हैं, ये होती है अंडर 144। ये असेसमेंट पॉसिबल होती है आपने रिटर्न फाइल की है या नहीं की, दोनों केस में कर सकते हैं। और तीसरी होती है असेसमेंट रीअसेसमेंट ऑफ इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, ये 147 में होती है। इस सब को हम बहुत 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 डिटेल्स में करेंगे। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि असेसमेंट तीन तरह की होती है। 143 रेगुलर असेसमेंट वो पॉसिबल है ओनली इफ यू हैव फाइल्ड अ रिटर्न ऑफ इनकम। जिसे हम बोलते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, रिटर्न फाइल किया तब भी हो सकती है, नहीं फाइल की तब भी हो सकती है। और तीसरी होती है 147 जहां इनकम एस्केपिंग असेसमेंट टैक्स की जाती है। अब दोस्तों कुछ आगे की थोड़ा सा करा रहा हूं, मुझे जरूरत पड़ेगी शुरू के लेक्चर्स में, शुरू तो नहीं, अराउंड 15-20 लेक्चर बाद मुझे जरूरत पड़ेगी, तब मैं आपको प्रॉपरली कराऊंगा। जो एओ ने असेसमेंट ऑर्डर पास किया है उसके अगेंस्ट मेरे पास तीन रेमेडीज होती हैं। एक होती है रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 154। यानी अगर एओ के ऑर्डर में मिस्टेक बिल्कुल अपरेंट है, मतलब जिसके बारे में दो व्यूज पॉसिबल नहीं है, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया जहां एओ ने 20 लाख के ट्रेवल एक्सपेंसेस अलाउ कर दिए, क्या ये मिस्टेक अपरेंट है? नो, इसलिए अपरेंट नहीं है बिकॉज एओ कहता है पर्सनल है, मैं कहता हूं ऑफिशियल एक्सपेंसेस है। मिस्टेक अपरेंट वो होती है जिसके बारे में कोई आर्गुमेंट नहीं हो सकता, जिसके बारे में दो व्यूज पॉसिबल नहीं होते, ये सब डिटेल में करेंगे। जिस अथॉरिटी ने मिस्टेक की है वो उस मिस्टेक को ठीक करती है by passing a rectification order under section 154. So rectification order लिख लीजिए under section 154. जैसे कि AO ने 2 lakh plus 2 lakh 6 lakh कर दिया, मिस्टेक अपरेंट है, इसे आप ठीक करा सकते हैं अंडर 154। डेप्रिसिएशन रेट आपका 15% है, AO ने आपको 5% अलाउ किया, इट्स अ मिस्टेक अपरेंट, तो आप 154 में ठीक करा सकते हैं। और अगर मिस्टेक अपरेंट नहीं है, जैसे कि 20 लाख के मेरे फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंसेस अलाउ कर दिए, तो मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं अपील कर सकता हूं या फिर मैं 264 में रिविजन के लिए जा सकता हूं। होल्ड ऑन, आप अपील कर सकते हैं सीआईटी अपील्स को, और सीआईटी पील्स अपना ऑर्डर पास करता है अंडर सेक्शन 250, जहां सीआईटी पील्स अपने ऑर्डर में ये कह सकता है कि मैं 20 लाख के एक्सपेंसेस एडिशन डिलीट कर रहा हूं।
अगर आप सीआईटी या पीएस के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप आगे अपील कर सकते हैं इनकम टैक्स अपलेट ट्रिब्यूनल में, जिसे हम बोलते हैं आईटीएटी। और आईटीएटी अपना ऑर्डर पास करता है अंडर सेक्शन 254। अगर आप आईटीएटी के ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट अपना ऑर्डर पास करता है अंडर सेक्शन 260A। अगर आप हाई कोर्ट के ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो अपील कर सकते हैं अंडर टू द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करता है अंडर सेक्शन 262। अब आप कहेंगे मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं हूं, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया, दैट इज द लॉ ऑफ द लैंड। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कैन बी नलिफाइड थ्रू अमेंडमेंट इन द फाइनेंस एक्ट। सो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नलिफाई हो सकता है बाय, नोट वन देखिए, अमेंडिंग द लॉ थ्रू द फाइनेंस एक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक देता हूं केस, बड़ा इंटरेस्टिंग केस। बहुत पहले क्या होता था, टाटास, इनकी कंपनी है टाटा टी, टाटा टी टेररिस्ट को पैसा देती थी, टाटा टी टेररिस्ट को पैसा देती थी, बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट में अल्फा टेररिस्ट है उनको पैसा देती थी। इसलिए पैसा देती थी कि ताकि उनके चाय के बगान जो हैं वो टेररिस्ट जला ना दें, एक तरह से प्रोटेक्शन मनी था। और सुप्रीम एओ ने उसे डिसअलाउ कर दिया था एक्सपेंस को, सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली एक्सपेंस अलाउ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रोटेक्शन मनी जो टाटा टी दे रही है, इट इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द बिजनेस एंड देयरफॉर इट्स अलाउबल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं थी, और इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को नलिफाई किया गया बाय अमेंडिंग सेक्शन 37, जहां लिखा गया कि किसी भी तरह का पैसा टेररिस्ट को अगेंस्ट लॉ, जो कोई भी चीज है उसे ले देते हैं, दैट विल बी डिसअलाउड। थर्ड रेमेडीज आप रिवीजन के लिए जा सकते हैं 264 में। सो 264 में इनकम कम की जाती है, बट अब दो बातें आप रट लीजिए। 264 का ऑर्डर फाइनल ऑर्डर होता है, इसके अगेंस्ट अपील पॉसिबल नहीं होती, ये लॉ में लिखा हुआ है। यानी 264 इज नॉन अपीलेबल, पहली बात तो ये रख लीजिए, कोई लॉजिक नहीं पूछेंगे मुझसे, आप कराऊंगा बाद में आपको, बट लॉ में लिखा है कि 264 ऑर्डर इज अ फाइनल ऑर्डर, नो अपील इज पॉसिबल अगेंस्ट इट। सो ऑर्डर अंडर सेक्शन 264 इज अ फाइनल ऑर्डर, नो अपील इज पॉसिबल अगेंस्ट इट, ये लॉ में लिखा है, रट लीजिए, पूछिए मत क्यों। दूसरी बात याद करिए, जस्टिस के दो दरवाजे होते हैं, टू डोर्स ऑफ जस्टिस, एक है अपील टू सीआईटी अपील्स और एक है रिविजन 264। लॉ में लिखा हुआ है कि आप सिर्फ एक ही डोर चूज कर सकते हैं, या तो अपील में चले जाइए या 264 में, दोनों रेमेडीज पॉसिबल नहीं है। सो लॉ में लिखा हुआ है, इसका लॉजिक मैं आपको कराऊंगा जब 263-264 करेंगे, कि आइदर यू कैन फाइल एन अपील टू सीआईटी अपील्स और यू कैन मेक रिविजन एप्लीकेशन अंडर 264, बोथ द रेमेडीज आर नॉट अवेलेबल फॉर एन असेसमेंट ईयर। नोट टू पढ़िएगा, ये लॉ में लिखा हुआ है, बाद में करेंगे। फॉर एन असेसमेंट ईयर आइदर एन अपील कैन बी मेड टू सीआईटी अपील्स और अ रिविजन एप्लीकेशन कैन बी मेड टू सीआईटी प्रिंसिपल सीआईटी चीफ सीआईटी प्रिंसिपल चीफ सीआईटी अंडर 264। Both the remedies are not available for an assessment year. रट लीजिए इस बात। मैं अपने 35 साल के प्रैक्टिस के कैरियर में मैंने कभी 264 मूव नहीं की किसी भी क्लाइंट की। क्यों?
क्योंकि अगर मैं 264 में हार गया फिर कुछ नहीं हो सकता। हर असेसी क्या करता है, पहले अपील करता सीआईटी अपील्स, वहां से हार गया आईटीएटी, वहां से हार गया हाई कोर्ट, वहां से हार गया सुप्रीम कोर्ट। अब आप कहेंगे जब ये सारी रेमेडीज अवेलेबल है तो ये क्यों रखी गई है। लिखिए 154 रेक्टिफिकेशन आप मूव कर सकते हैं 4 साल तक। 4 साल कहां से गिनेंगे, बाद में करेंगे। अपील आप कर सकते हैं सीआईटी अपील्स को 30 डेज के अंदर। 30 डेज कहां से गिनेंगे बाद में देखेंगे। 264 आप कर सकते हैं 1 ईयर तक। बता सकते हैं हम सो कोई भी 264 में नहीं जाता, बिकॉज 264 में चले गया सीआईटी ने, चीफ सीआईटी ने अगर एओ को ऑर्डर अफर्म कर दिया फिर आप कुछ नहीं कर सकते, अपील का दरवाजा बंद हो गया आपका। बिकॉज जस्टिस के दो दरवाजे हैं, अपील या 264। एक दरवाजा खोल लिया तो दूसरा दरवाजा बंद कर दिया जाए आपके लिए। यानी अपील में चले गए 264 क्लोज्ड, 264 में चलेगा अपील क्लोज्ड। 264 में लोग तब जाते हैं जब अपील का टाइम निकल जाता है और अपील की नहीं है, अपील की नहीं है, फिर लॉ मेकर्स कहते हैं ठीक है हम आपको एक रेमेडी दे देते हैं, सीआईटी के पास जाकर, चीफ सीआईटी के पास जाकर एक मर्सी पेटिशन मूव कर दीजिए 264 में। अगर आप मेरा नोट नंबर 3 देखे, जनरली एन असेसी फाइल्स एन अपील टू सीआईटी अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एओ एंड डज नॉट फाइल रिविजन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 264। सो हर लोग यही करते हैं, 264 में कोई नहीं जाता। नॉर्मली 264 का फाइल करते हैं व्हेन अपील हैज नॉट बीन मेड टू सीआईटी अपील्स एंड टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग द अपील टू सीआईटी अपील्स हैज एक्सपायर्ड। सो दोस्तों ये सब कुछ आपको डिटेल में कराऊंगा मैं, इस पोर्शन को जो मैंने आपको कराया इस पर हम कम से कम 24 आवर्स डिवोट करेंगे आगे जाके, 24 आवर्स जो मैंने आपको लेस देन 24 मिनट्स में करा दिए। सो सिर्फ इसलिए कराया कि आपके दिमाग में थोड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाए। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिविजन कर लेते हैं आपके एग्जाम के लिए। फाइनेंस एक्ट 21 एप्लीकेबल है, प्रीवियस ईयर 22 एप्लीकेबल है। प्रीवियस ईयर 22 मींस इनकम अर्नड इन द पीरियड 1421 फ्रॉम 1421 टू 31 मार्च 22। इसे हम बोलते हैं इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर 22-23। सो असेसमेंट ये 22-23 में ये पीरियड होता है 1422 से लेकर 31 मार्च 23। हम आगे जाके लॉ में पढ़ेंगे अमेंडमेंट इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 22। इट मींस अमेंडमेंट इफेक्टिव फ्रॉम असेसमेंट ये 22-23 मींस प्रीवियस ईयर 22। फाइनेंस एक्ट बनता है आपका, उसमें अमेंडमेंट्स, सो फाइनेंस एक्ट 21 में अमेंडमेंट्स प्रीवियस ईयर 22 से है, बट कुछ अमेंडमेंट्स रेट्रोस्पेक्टिव भी है। जैसे मैंने बताया आपको गुडविल ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन और प्रोफेशन, उस पर डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगी एज पर फाइनेंस एक्ट 21, एंड दिस अमेंडमेंट इज रिट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22। आपकी जो इनकम असेस करता है एओ असेस करता है, एओ 3 तरीके के होते हैं, जेसी ज्वाइंट कमिश्नर सबसे सीनियर मोस्ट होता है, उसके नीचे आते हैं असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर एसीडीसी, उसके नीचे आता है लेवल पर आईटीओ। हम पहले बहुत डिटेल में क्या करते थे, बट अब क्या हुआ है कि असेसमेंट जो है फेसलेस हो गई है। एक नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, नेशनल फेसलेस सेंटर बन गया है असेसमेंट करने के लिए, वो मैं आपको कराऊंगा और वहां देखेंगे इनको कैसे फिट किया गया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में टॉप पर होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसके नीचे होते हैं चीफ सीआईटीज। चीफ सीआईटीज को प्रिंसिपल चीफ सीआईटी भी बोलते हैं,
और जो चीफ सीआईटी होते हैं दे रिपोर्ट टू द सीबीडीटी, इनके नीचे होते हैं सीआईटी, सीआईटी को हम प्रिंसिपल सीआईटी भी बोलते हैं, और सेम लेवल पर होता है सीआईटी अपील्स। सेम लेवल का मतलब है कि इनकी सैलरी बराबर होती है। अच्छा एक बात, वन मैन वन पोस्ट होती है, अगर आप सीआईटी हैं तो सीआईटी अलग होगा, सीआईटी अपील्स अलग होगा, यानी मिस्टर एक्स सीआईटी होंगे, मिस्टर वाई विल बी सीआईटी अपील्स, सेम पर्सन कैन नॉट होल्ड टू रैंक्स। सो सीआईटी सीआईटी अपील्स अलग अलग होते हैं, रैंक वाइज सेम होते हैं, मैंने से रैंक वाइज इनकी सैलरी, इनको जो परक्विजिट्स मिलते हैं वो सेम होते हैं। उसके नीचे होता है जेसी, एसीडीसी, आईटीओ जो असेसमेंट्स करते हैं। सीआईटी अपील्स सुनता है अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एओ। हम ग्रेट डिटेल में करेंगे कि सीआईटी के फंक्शंस क्या होते हैं, चीफ सीआईटी के फंक्शंस क्या होते हैं। एक बात मैंने बताई आपको, ये असेसमेंट नहीं करते, इनके पास एक पावर होती है रिवीजन करने की, जहां ये रिवाइज करते हैं ऑर्डर ऑफ एओ, एओ को ऑर्डर रिवाइज करते हैं। 263 में जो रिवीजन करता है कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, उससे इनकम बढ़ा देता है। एओ ने कम इनकम असेस की थी तो इनकम बढ़ा देता है 263 के ऑर्डर से। इससे असेसी लूज करता है, डिपार्टमेंट गेन करता है। 264 में क्या होता है कि चीफ सीआईटी सीआईटी इनकम घटाता है, जो एओ ने इनकम असेस किया उसको कम करता है ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द असेसी। तो कई लोगों के माइंड में आया कि मैं अपील में जाऊं या 264 में जाऊं, हमेशा अपील में जाते हैं हम। अगर अपील का टाइम निकल गया है देन यू गो फॉर 264। सो 264 में कमिश्नर यह भी बोल सकता है कि एओ का ऑर्डर ठीक है, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। मैंने बताया आपको तीन तरह की असेसमेंट्स होती हैं, रेगुलर असेसमेंट, स्क्रूटनी असेसमेंट 1433 में होती है, रटा आपने रट लीजिए इसे। यह असेसमेंट तभी पॉसिबल है जब आपने रिटर्न फाइल किए। 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ये पॉसिबल है, आपने रिटर्न फाइल किया तब भी पॉसिबल है, नहीं फाइल की तब भी पॉसिबल है। और एक होती है असेसमेंट, रीअसेसमेंट ऑफ इनकम स्किपिंग असेसमेंट 147। हमने कहा रेमेडीज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एओ, अगर मिस्टेक बिल्कुल अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, जिसके बारे में कोई दो राय मतलब दो व्यूज पॉसिबल नहीं है, तो उसे आप 154 में ठीक करा लीजिए। अगर मिस्टेक अपरेंट नहीं है तो आप जाएंगे आइदर सीआईटी अपील्स और 264। अच्छा मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड में असेसी एप्लीकेशन देता है, और जिस अथॉरिटी ने मिस्टेक किया वो ठीक करती है बाय पासिंग अ रेक्टिफिकेशन ऑर्डर अंडर 154। आप अपील कर सकते हैं एओ के ऑर्डर के अगेंस्ट सीआईटी अपील्स को, उसका ऑर्डर आता है 250 में, सेटिस्फाइड नहीं है आगे अपील कर सकते हैं आईटीटी में, उसका ऑर्डर आता है 254 में, सेटिस्फाइड नहीं है आगे अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, ऑर्डर आता है 268 में, सेटिस्फाइड नहीं है आगे अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ऑर्डर आता है 262 में। या फिर आप कमिश्नर या चीफ कमिश्नर के पास जा सकते हैं 264 में। आपने रट लीजिए कि 264 का ऑर्डर फाइनल ऑर्डर होता है, उसकी अगेंस्ट अपील पॉसिबल नहीं होती। अपील 264, दोनों में से एक ही चीज चूज कर सकते हैं आप। अगर अपील चूज कर ली रिवीजन का डोर बंद कर देंगे, रिवीजन डोर ओपन कर लिया अपील का डोर बंद कर देंगे, ये हम बहुत डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को नलिफाई कर सकते हैं ओनली बाय अमेंडमेंट टू द फाइनेंस एक्ट। मैंने एग्जांपल दिया टाटा टी के केस में, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ गया था कि टेररिस्ट को जो पैसा दिया जाता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस वो अलाउबल है। उस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को नलिफाई किया गया थ्रू फाइनेंस एक्ट बाय अमेंडिंग सेक्शन 371 इन द चैप्टर ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। सो अपील कर सकते हैं सीआईटी अपील्स को या फिर 264 कर सकते हैं, दोनों रेमेडीज पॉसिबल नहीं है एक साल के लिए। नोट 3 में हमने लिखा कि नॉर्मली हर कोई अपील ही करता है सीआईटी अपील्स को, 264 में एसएससी तभी जाता है जब अपील का टाइम निकल गया है और अपील नहीं की गई। 154 चार साल तक कर सकते हैं आप, अपील 30 दिन तक कर सकते हैं,
और 264 एप्लीकेशन एक साल तक कर सकते हैं। अच्छा एक मिनट, इनका क्वेश्चन है कि 263 के अगेंस्ट अपील पॉसिबल है या नहीं। 263 यानी जहां कमिश्नर ने इनकम बढ़ाई है आपकी, वहां अपील पॉसिबल है या नहीं। अपील पॉसिबल है, ये तो 264 के अगेंस्ट अपील पॉसिबल नहीं है। सो 264 रिविजन ऑर्डर के अगेंस्ट अपील पॉसिबल नहीं होती, बट 263 के अगेंस्ट अपील पॉसिबल है। और अपील कहां जाएगी? आईटीएटी, बिकॉज 263 में ऑर्डर पास करा है सीआईटी चीफ सीआईटी, सीआईटी पे सेम लेवल पर आता है सीआईटी के, या उसे चीफ सीआईटी से जूनियर है, एंड देयरफॉर अपील, नोट 4 लिखिए, पेज 21, नोट 4, अगेंस्ट द रिविजन ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 263, सो अंडर सेक्शन को हम एब्रीवेट करते हैं यू ऑब्लिक एस, असेसी कैन फाइल एन अपील टू आईटीएटी। सो ये मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया डिपार्टमेंट के बारे में। मैंने आपसे कहा इसे बहुत बहुत डिटेल में करेंगे, इस पर बिल्कुल भी टाइम मत लगाइएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे आप। अब आप फर्स्ट पेज पर आ जाइए, टैक्स रेट्स फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। टैक्स रेट्स आपको याद होने चाहिए, टैक्स रेट्स आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में टैक्स रेट्स नहीं दिए होते। इंडिविजुअल HUF, अगर आप इन केस ऑफ एवरी इंडिविजुअल HUF, 1B 1C वाले इंडिविजुअल यहां कवर्ड नहीं है, यहां दोनों कवर्ड है, रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट। अगर टोटल इनकम 250 तक है टैक्सेस निल, अगर टोटल इनकम 2,50,000 से एक्सीड कर रही है, 5,00,000 तक है, टैक्सेस 5% ऑफ द अमाउंट बाय विच टोटल इनकम एक्सीड्स 2,50,000। जैसे इनकम 3,00,000 है, 3,00,000 है, टैक्स कितना बना 50,000 पे 5%, 2,500। जहां इनकम 5,00,000 से एक्सीड कर रही है, 10,00,000 तक है, 12,500। ये 12,500 का फिगर कैसे आया? 5,00,000 माइनस 250, 2,50,000, उसका 5%, 12,500 प्लस 20% ऑफ द अमाउंट बाय विच द टोटल इनकम एक्सीड्स रुपीज 5,00,000। और जहां इनकम टोटल इनकम 10,00,000 को एक्सीड कर रही है, 1,12,500, ये कैसे आया? कैसे आया? 5,00,000 माइनस 250 पर 5%, 12,500, और 10,00,000 माइनस 5,00,000, 5,00,000 पर 20%, 1,00,000, 1,12,500 प्लस 30% अमाउंट बाय विच द टोटल इनकम एक्सीड रुपीज 10,00,000। तो देखिए इनकम अगर 11,00,000 रुपए है तो टैक्स कैसे निकालेंगे आप? पहले 2,50,000 पर निल, अगले 2,50,000 पर 5%, अगले 5,00,000 पर 20%,
और अगले 1 लाख पर 30%, 142,500। अब यहां लिखा है टोटल इनकम। टोटल इनकम का मतलब क्या होता है? एक नोट दीजिए पेज 1 के टॉप पर। टोटल इनकम मींस द टैक्सेबल इनकम आफ्टर अलाउइंग ऑल डिडक्शंस, यानी जो नेट टैक्सेबल इनकम होती है उसे हम बोलते हैं टोटल इनकम। सो पूरे एक्ट में जहां भी टोटल इनकम लिखा है इसका मतलब होता है टैक्सेबल इनकम आफ्टर अलाउइंग ऑल डिडक्शंस, एटीसी, एटीडी, एटीआई, ये सब माइनस करने के बाद जो इनकम बचती है उसे हम बोलते हैं टोटल इनकम। जैसे मैंने कहा ये रेट्स रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अब सीनियर सिटीजन के केस में स्लैब 2.5 लाख की बढ़ा के 3 लाख कर दी गई। सीनियर सिटीजन कौन होता है? जो 60 इयर्स और मोर की एज का है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी जो आपका प्रीवियस ईयर है उसमें कभी भी आप 60 इयर्स की एज अचीव कर लेते हैं, यू बिकम अ सीनियर सिटीजन। लॉ में सीनियर सिटीजन का मतलब होता है जिसकी एज 60 इयर्स और मोर है बट लेस देन 80 इयर्स है। सो 60 इयर्स तक स्लैब बढ़ा के 2.5 लाख से 3 लाख कर दिया गया, और जहां आपकी एज 80 इयर्स एंड अबव हो जाएगी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर स्लैब आपका 5 लाख कर दिया जाएगा। बट माइंड इट, ये जो स्लैब इंक्रीज करने का बेनिफिट देते हैं रेजिडेंट का देते हैं सीनियर सिटीजन की केस में, इट्स ओनली फॉर रेजिडेंट, ओनली फॉर रेजिडेंट। एग्जामिनर आपसे एमसीक्यूज में मिस्टेक कराता है, वो कहता है कि एक इंडिविजुअल है, एज है 66 इयर्स, नॉन रेजिडेंट है, और फिर डिटेल्स देनी शुरू करता है। स्टूडेंट क्या करता है, जैसे देखता है इंडिविजुअल 66 इयर्स, स्लैब रेट 3 लाख अप्लाई कर देता है, पूरा एमसीक्यू आपका गलत हो जाता है। तो ये जो इंक्रीज स्लैब का बेनिफिट तभी मिलेगा अगर आप रेजिडेंट हैं उस प्रीवियस ईयर। सो रेजिडेंट होना मस्ट है। सो इन केस ऑफ एवरी इंडिविजुअल बीइंग अ रेजिडेंट इन इंडिया, जो रेजिडेंट है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, हु इज ऑफ द एज ऑफ 60 इयर्स और मोर बट लेस देन 80 इयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो स्लैब क्या है 2.5 लाख की जगह 3 लाख कर दिया गया। बाकी सब सेम है, 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख 10,000 प्लस 20% ऑफ द अमाउंट विच एक्सीड 5 लाख, एंड जहां इनकम एक्सीड कर रही है 10 लाख वहां 1,10,000 प्लस 30% ऑफ द अमाउंट बाय विच टोटल इनकम एक्सीड रुपीज 10 लाख। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन मींस 80 इयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो स्लैब आपका 5 लाख है। बट माइंड इट, ये स्लैब तभी है अगर आप रेजिडेंट हैं। एक बात बताइए, रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट? दोनों होते हैं। लिखिएगा, फर्स्ट पेज पे लिखिए, फर्स्ट पेज पे लिख लीजिए। इंडिविजुअल के केस में दो कैटेगरीज होती हैं, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट।
इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं हम रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सो इंडिविजुअल की अगर एज लेट्स से 61 इयर्स है या 81 इयर्स है, तो यहां स्लैब कौन सा रहेगा? इन दोनों के इसमें स्लैब आएगा 3 लाख 5 लाख, और इस केस में स्लैब क्या आएगा? 2,50,000। सो रेजिडेंट नॉट और रेजिडेंट भी हैं तो आपको स्लैब मिल जाएगा 3 लाख का 5 लाख का। लेट्स से ओके, सो सुपर सीनियर सिटीजन मींस 8 इयर्स और मोर, ना स्लैब हो जाता मेरा 5 लाख। तो मैंने की नोट्स में बताया हुआ है कि जो 250 वाला स्लैब है वो तो सभी के लिए है, रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट। 1B 1C में जो रेट्स दिए हैं सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन के लिए, दे आर ओनली फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल। और अगर आप सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है बट नॉन रेजिडेंट है, तो स्लैब आपका 2,50,000 ही रहेगा सरचार्ज। सरचार्ज ओके। एक सेक्शन होता है 111A। 111A होता है शॉर्ट टर्म कैप गेन्स इन शेयर मार्केट, उस पर 15% टैक्स लगता है। एक सेक्शन होता है 112A लॉन्ग टर्म कैप गेन्स इन शेयर मार्केट, जहां 10% टैक्स लगता है। सो एक पढ़ेंगे हम सेक्शन 111A, जहां शेयर मार्केट में आपको शॉर्ट टर्म कैप गेन्स होते हैं तो 15% पे शॉर्ट टर्म कैप गेन टैक्सेबल होते हैं, और अगर शेयर मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म कैप गेन होते हैं तो लॉन्ग टर्म कैप गेन्स 10% पर टैक्सेबल होते हैं। 112A में क्या होता है, 1 लाख के लॉन्ग टर्म कैप गेन्स टैक्स नहीं किए जाते। सो 112A में जो पहले 1 लाख के लॉन्ग टर्म कैप गेन्स होते हैं उनको एग्जाम करते तो उस पर टैक्स नहीं लगाते। अब देखिए सरचार्ज, ये सरचार्ज है इन केस ऑफ इंडिविजुअल HUF, चाहे आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं। अगर टोटल इनकम 50 लाख तक है नो सरचार्ज, अगर टोटल इनकम 50 लाख तक है नो सरचार्ज। अगर टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर चली गई तो क्या होगा, जो भी आपका इनकम टैक्स निकलेगा उसका 10% सरचार्ज देना पड़ेगा आपको। तो इनकम अगर 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ तक है, तो 50 लाख तक नो सरचार्ज।
50 लाख से ऊपर इनकम चली गई, 50 लाख से ऊपर, बट 1 करोड़ तक है, तो जितना आपका टैक्स बनेगा उस पर 10% सरचार्ज लग जाएगा. सो 10% ऑफ सच इनकम टैक्स वेयर टोटल इनकम एक्सीड ₹50 लाख बट डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़. और जहां इनकम आपकी 1 करोड़ से ऊपर चली गई बट अप टू 2 करोड़ से सरचार्ज है 15% ऑफ द इनकम टैक्स. सो 15% ऑफ इनकम टैक्स इफ टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड ₹2 करोड़. और अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर चली गई, 5 करोड़ तक है, सरचार्ज है 25% ऑफ द इनकम टैक्स. और अगर इनकम आपकी 5 करोड़ से ऊपर चली गई, सरचार्ज इज 37%. सरचार्ज इज 37%. सो इंडिविजुअल्स HUF के केस में, चाहे आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, अगर टोटल इनकम 50 लाख तक है नो सरचार्ज, 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ तक है, 10% ऑफ इनकम टैक्स इज द सरचार्ज. इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, अप टू 2 करोड़ है, जो भी इनकम टैक्स निकलेगा उसका 15% इज द सरचार्ज. इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ तक है, जो भी इनकम टैक्स निकलेगा उसका 25% इज द सरचार्ज. और इनकम अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो 37% ऑफ इनकम टैक्स इज द सरचार्ज. जब ये अमेंडमेंट आई तो शेयर मार्केट्स में काफी डाउनफॉल आया. इंडिविजुअल्स जो, जिसे हम बोलते हैं HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, दे सेड कि आप हमारी शेयर मार्केट की जो इनकम है, यानी लॉन्ग टर्म कैप गेन्स, शॉर्ट टर्म कैप गेन्स, डिविडेंड इनकम, अगर हमारी टोटल इनकम 5 करोड़ से ऊपर है, सरचार्ज हमारा 37% हो गया. और जिस दिन ये बजट आया था जिसमें ये अमेंडमेंट्स आई थी, शेयर मार्केट ड्रास्टिकली फॉल की थी. फिर गवर्नमेंट ने कहा कि हम रिलीफ देते हैं. ये रेट्स तब लगते हैं अगर आपकी इनकम में कैप गेंस नहीं है, 111 ए वाले, 112 ए वाले कैप गेंस नहीं है लॉन्ग टर्म, और डिविडेंड इनकम नहीं. डिविडेंड इनकम, डिविडेंड फ्रॉम एनी कंपनी, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, दोनों डिविडेंड की बात कर रहे हैं. तो अगर आपकी इनकम में ना तो शॉर्ट टर्म कैप गेन्स है 111 ए वाले, ना लॉन्ग टर्म कैप गेन्स है 112 ए वाले, ना डिविडेंड इनकम है, तो यही रहेगा. बट अगर आपकी टोटल इनकम में शेयर मार्केट के शॉर्ट टर्म कैप गेंस है, लॉन्ग टर्म कैप गेंस है, डिविडेंड इनकम है, तो इन 3 इनकम्स पर सरचार्ज हम 15% से ऊपर नहीं लगाएंगे. 3 इनकम्स कौन कौन सी? शॉर्ट टर्म कैप गेंस 111 ए वाले, लॉन्ग टर्म कैप गेंस 112 ए वाले, और डिविडेंड इनकम. क्योंकि मोस्टली ये 3 इनकम शेयर मार्केट से ही आ रही है मुझे, तो इन 3 इनकम्स पर सरचार्ज हमेशा 15% से ऊपर नहीं रहेगा, चाहे इनकम कुछ भी हो आपकी. यानी रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि इन 3 इनकम पर जो टैक्स निकलेगा उसका सरचार्ज रिस्ट्रिक्ट करेंगे हम 15%. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने बड़े सारे एग्जांपल्स लिए इस पर. तो देखिए, अगर टोटल इनकम में मेरे शॉर्ट टर्म कैप गेंस 111 ए वाले नहीं है, लॉन्ग टर्म कैप गेंस 112 ए वाले नहीं है, डिविडेंड इनकम नहीं है, तो यही रहेगा. बट अगर ये 3 तरह की इनकम्स हैं, शॉर्ट टर्म कैप गेंस 111 ए, लॉन्ग टर्म कैप गेंस 112 ए, डिविडेंड इनकम, तो इन 3 इनकम्स पर जो टैक्स बनेगा उसका सरचार्ज कभी भी हम 15% से ऊपर नहीं लगने देते. देखिए, वेयर टोटल इनकम इंक्लूड्स कैप गेन्स,
रेफ 14111 बने या फिर 112A वाले या डिविडेंड इनकम, तो सरचार्ज ऐसे होगा। तो देखिए 50 लाख तक इनकम है फिर तो सरचार्ज है ही नहीं। अगर 50 लाख से ऊपर इनकम है, 1 करोड़ तक है, सरचार्ज 10% लगेगा आपका, यहां भी कोई रिलीफ नहीं। इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ तक है, तो 15% सरचार्ज बनता है, कोई रिलीफ नहीं यहां पर भी। हां अगर 2 करोड़ से ऊपर इनकम बन रही है और ये 111A 112A या डिविडेंड इनकम है तो रिलीफ है। देखिए कैसे, अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर एक्सीड कर रही है तो क्या करिए आप, जो कैप गेंस है 111A वाले, 112A वाले और डिविडेंड इनकम है, उस पर जो टैक्स है उस पर सरचार्ज 15% रिस्ट्रिक्ट करेंगे। फिर आप देखिए टोटल इनकम माइनस दीज इनकम, टोटल इनकम माइनस कैप गेंस 111A वाले, 112A वाले, डिविडेंड इनकम, ये निकाल लीजिए यानी अदर इनकम्स। अगर ये अदर इनकम्स 2 करोड़ तक की है तो सरचार्ज 15% लगेगा। अगर अदर इनकम्स 2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ तक की है, सरचार्ज विल बी 25%। और अगर अबव अदर इनकम्स 5 करोड़ से ऊपर है तो उस पर सरचार्ज लगेगा 37%। आपको अभी अभी एग्जांपल से कराऊंगा, कंफ्यूज मत हुई। दोबारा देखिए, सरचार्ज है 10% निल अप टू 50 लाख, 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25%, 5 करोड़ से ऊपर 37%। हाँ, अगर आपकी टोटल इनकम में कैप गेंस है 111A वाले, लॉन्ग टर्म कैप गेंस है 112A वाले, डिविडेंड इनकम है, तो इन 3 इनकम्स पे सरचार्ज हम कभी भी 15% से ऊपर नहीं लगने देंगे। तो देखिए, अगर टोटल इनकम 50 लाख तक है, सरचार्ज है ही नहीं, 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ तक है, सरचार्ज 10% है, यहां लॉन्ग टर्म कैप गेंस, शॉर्ट टर्म कैप गेंस, डिविडेंड सब पर जो टैक्स निकलेगा 10% पे सरचार्ज लगेगा। अगर 1 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ तक है, सरचार्ज 15% है। हाँ, अगर 2 करोड़ से इनकम ऊपर हो गई, और किस वजह से ऊपर हुई, मेरे शॉर्ट टर्म कैप गेंस 111A वाले, लॉन्ग टर्म कैप गेंस 112A वाले, डिविडेंड इनकम है, 2 करोड़ से ऊपर इनकम जा रही है और ये 3 इनकम्स है मेरी, यानी इनकी इन इनकम्स की वजह से मेरी 2 करोड़ से ऊपर इनकम जा रही है, तो लॉ क्या कहता है, ये जो है मेरा 111A 112A डिविडेंड इनकम, इस पर जो टैक्स निकलेगा उस पे सरचार्ज 15% ही रहेगा। इनके अलावा जो इनकम्स हैं, अगर वो 2 करोड़ तक की है तो सरचार्ज 15% है, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की है 25% है, 5 करोड़ से ऊपर है 37%। एग्जांपल करते हैं प्लीज। तो इनकम अगर 2 करोड़ से एक्सीड कर रही है तो क्या करेंगे, जो टैक्स कंप्यूट करेंगे ऑन कैप गेन्स अंडर 111A 112A एंड डिविडेंड इनकम, वो तो 15% रहेगा। बाकी जो इनकम है मेरी, टोटल इनकम माइनस कैप गेन्स 111A वाले, 112A वाले, डिविडेंड इनकम, इनको माइनस कर दीजिए। अगर इसकी जो बाकी इनकम है वो 2 करोड़ तक की है, सरचार्ज 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़, 2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ तक की है 25%, 5 करोड़ से ऊपर है तो 37%। एग्जाम्पल देखिए, मेरी बिजनेस इनकम है 1 करोड़ इंडिविजुअल में, लॉन्ग टर्म कैप गेंस है 112A वाले 51 लाख, शॉर्ट टर्म कैप गेंस है 111A वाले 60 लाख, तो इस पे तो देखिए 1 लाख पे टैक्स नहीं लगता, 5 लाख पर
सॉरी 50 लाख पर 10% टैक्स कितना हुआ, 5 लाख। इधर 60 लाख पर ट्रिपल बने वाले शॉर्ट टर्म कैप गेंस हैं तो 15%, 9 लाख। 1 करोड़ का मेरा बिजनेस इनकम है उस पर टैक्स निकालिए, पहले 10 लाख पर आती है मेरी कितना, 1,12,500। अगले 90 लाख पे निकाल लीजिए 30%, 27 लाख, 28,12,500। देखिए शॉर्ट टर्म कैप गेंस, लॉन्ग टर्म कैप गेंस, 1 करोड़ पर ये हो गया। अब मेरी टोटल इनकम देखिए 2,11,00,000 हो रही है और इसमें मेरे ये वाली इनकम भी है, ये वाली इनकम भी है। तो अगर अमेंडमेंट नहीं आती तो इस पूरे टैक्स पर 25% सरचार्ज लग जाता। अगर लॉ में अमेंडमेंट नहीं आती तो इस पूरे टैक्स पर 25% सरचार्ज लग जाता। बट अब क्या करें, लॉ ये जो टैक्स निकाला आपने ये वाला और ये, इस पे तो सरचार्ज 15% रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। तो देखिए, और जो मेरी बाकी इनकम से कितनी है, 1 करोड़ यानी अप टू 2 करोड़ से, तो उस पे 15% सरचार्ज लगेगा। देखिए मेरी टोटल इनकम तो 2 करोड़ से ऊपर है, टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, बट यहां रिलीफ दे रहे हैं आपको कि इनकम अदर इनकम्स अप टू 2 करोड़ से हैं तो 15% सरचार्ज। ये लग गया मेरा, देखिए यही हमने ऊपर फॉर्मूले में किया। देखिए और फिर क्या करते हैं, हम टैक्स प्लस सरचार्ज ऐड कर दिया, इसे 4% सेस लगा दिया, दिस इज माय टैक्स लायबिलिटी। आई होप क्लियर है आपको। एग्जाम्पल 2 देखिए, मेरी बिजनेस इनकम है 2.5 करोड़, लॉन्ग टर्म कैप गेंस है 112 ए वाले 3,01,00,000, शॉर्ट टर्म कैप गेंस है 111 1 करोड़, टोटल इनकम है 6,51,00,000। अगर लॉ में अमेंडमेंट नहीं लाते, रिलैक्सेशन नहीं लाते तो क्या होता, सीधा 37% सरचार्ज लग जाता। अब क्या करिए आप, इस पर टैक्स निकालिए, 1,00,000 छोड़ दीजिए, कितना हुआ 30 लाख, 1 करोड़ पर टैक्स निकालिए शॉर्ट टर्म कैप गेंस 15 लाख, और बाकी इनकम कितनी है मेरी 2,50,00,000। 2,50,00,000 पे टैक्स निकालेंगे तो देखिए, पहले 10 लाख पर 1,12,500, अगले 2,40,00,000 पर 30% कितना हुआ 72 लाख, 73,12,500 टोल टैक्स ही आ गया। अब क्या करेंगे, अगर अमेंडमेंट नहीं आती तो पूरा सरचार्ज 37% लग जाता, बट अब क्या करेंगे, इस टैक्स पर, इस टैक्स पर सरचार्ज लगाएंगे 15%। और अदर इनकम्स कितनी हैं इस वाले स्लैब में आ रही हैं, 25%। और फिर 4% सेस ऐड कर देंगे, यू गेट द टैक्स लायबिलिटी। आई होप क्लियर है। मैं एग्जाम्पल 3 आपको कराना नहीं चाहता, टफ है थोड़ा, आज पहली क्लास है, बट थोड़ा सा करा देता हूं। ऑल दो मैंने लास्ट बैच में ये एग्जाम्पल 61st लेक्चर में कराया था, 61 लेक्चर में, बट थोड़ा सा कर लेते हैं, अगर आप कर पाए तो देखते हैं। सो ये एग्जाम्पल नहीं भी कर पाएंगे, बाद में हो जाएगा।
मैंने फोर्थ मॉड्यूल में डिविडेंड के चैप्टर में एग्जांपल डाला हुआ एज इट इज, बट कोशिश कर लेते हैं। इंडिविजुअल है 42 इयर्स, डिविडेंड इनकम 30 लाख, कैप गेन्स 10 लाख, लॉन्ग टर्म कैप गेन्स 14 लाख, अदर इनकम्स 1,26,00,000, टोटल इनकम 1,80,00,000 है। यहां तो अमेंडमेंट लगेगी नहीं, बिकॉज यहां सरचार्ज बनता ही 15% है। वो तो जहां सरचार्ज 15% से ऊपर हो जाएगा तो रिस्ट्रिक्ट करेंगे हम। तो यहां देखिए सिंपल केस है, इस 10 लाख पर 1,50,000 15%, इस 14 लाख पर 1,00,000 छोड़ दीजिए 1,30,000, और डिविडेंड इनकम नॉर्मल रेट पर टैक्स होती है। तो 1,26,00,000 और 30,00,000, 1,56,00,000 की अदर इनकम से मेरी टैक्सेस निकालेंगे, पहले 10 लाख पर 1,12,500, अगले 1,46,00,000 पर 30%, 43,80,000, क्योंकि कितना 44,92,500, और यहां सरचार्ज पूरा 15% लग जाएगा, बिकॉज अमेंडमेंट तब लगती है जब इन तीन इनकम्स की वजह से इनकम 2,00,00,000 से ऊपर चली गई, तो सरचार्ज 15% लगेगा, सीधा इसका 15% निकाल लीजिए और 4% से सेट कर दीजिए। केस टू देखिए, मेरी डिविडेंड इनकम है 40,00,000, कैप गेन्स हैं 111A वाले 20,00,000, 112A वाले हैं 15,00,000, अदर इनकम्स है 2,25,00,000। तो देखिए इस 20,00,000 पे 15% 3,00,000, इस 15,00,000 में से 1,00,000 एग्जेम कर देते हैं 1,40,000, 2,25,00,000 प्लस 40,00,000, 2,65,00,000 पे नॉर्मल टैक्स निकालेंगे आप, 1,12,500 तो आ गया 10,00,000 पर, और 2,55,00,000 पे निकालेंगे आप 76,50,000, 77,62,500 ये आ गया, टोटल टैक्स आ गया 82,02,500। इसके बाद थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, थोड़ा सा मुश्किल है, बाद में दोबारा कराऊंगा, कोशिश करिए समझ सके। तो अब जो मैंने सरचार्ज निकाला तो देखिए क्या होगा, कोई डाउट, इनकम 3,00,000 है, 2,00,00,000 से ऊपर है, तो जो कैप गेन्स और डिविडेंड इनकम है उस पर सरचार्ज 15% रहेगा, बाकी इनकम पे इस तरह रहेगा। देखिए दिक्कत क्या आती है, पर ये मेरा टैक्स निकल गया, कोई दो राहें नहीं, मतलब दो व्यूज नहीं, इस 3,00,000 पे 15% लगेगा, इस 1,40,00,000 पे 15% लगेगा, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। तो देखिए
25% का टैक्स रेट बनता है मेरा 3 करोड़ पर, बट 15% सरचार्ज लगेगा डिविडेंड पर और इनकम अंडर सेक्शन 111A and 112। आप देखिए, कोई डाउट नहीं, ये जो क्या है टैक्स आ गया मेरा, ये इस पर 15% रिस्ट्रिक्ट करेंगे, इस पे 15% रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो देखिए 45,000, 21,000, क्लियर है। आप डिविडेंड पर टैक्स कैसे निकाला जाए, कोई बता सकता है डिविडेंड पर टैक्स कैसे निकाला जाए? हमारी इंस्टीट्यूट कहती है, देखिए अदर इनकम से मेरी 225, तो एक है और 2,25,00,000 है, 40,00,000 का डिविडेंड इनकम है, यानी 2,65,00,000 की मेरी कैप गेंस के अलावा इनकम है। इस 2,65,00,000 पर टैक्स कितना निकाला हमने, 77,62,500। आप बताइए डिविडेंड पर टैक्स कितना हुआ, एवरेज रेट लगा लीजिए, कैसे निकालेंगे हम? ये निकला मेरा टैक्स 2,65,00,000 पर, तो 40,00,000 पर कितना टैक्स हुआ, 40,00,000। जो डिविडेंड पर टैक्स आ रहा है उस पर सरचार्ज 15% रिस्ट्रिक्ट करना है। अब मुझे यह नहीं पता चला कि डिविडेंड पर टैक्स कितना आ रहा है, तो इंस्टीट्यूट कहती क्या करिए, आप एवरेज रेट यूज कर लीजिए, इतने पर टैक्स इतना आया तो इतने पर टैक्स इतना आ गया, ये आ गया मेरा 15% ऑन डिविडेंड, इसका 15% ले लीजिए सरचार्ज, 40,00,000 / 2,65,00,000 इंटू टैक्स इंटू 15%, ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब बैलेंस इनकम कितनी बची मेरी, 2,25,00,000 / 2,65,00,000 इंटू द टैक्स, उस पे सरचार्ज कर दीजिए कितना, 25%। हुआ क्लियर? मैंने कहा पहली क्लास के लिए बहुत टफ है ये, दोबारा कराऊंगा आपको ये सब। चलिए केस थ्री अपने आप करते हैं, केस थ्री अपने आप करते हैं। डिविडेंड है 95,00,000, 111 है, 111 है 55,00,000, लॉन्ग टर्म कैप गेंस है 8,00,000, अदर इनकम है 70,00,000, टोटल इनकम इज 2,28,00,000, 2 करोड़ से ऊपर इनकम है तो टैक्स सरचार्ज 25% बन गया, बट इसमें मेरे डिविडेंड है, लॉन्ग टर्म कैप गेंस, शॉर्ट टर्म कैप गेंस है, इसलिए उस पर हम टैक्स 15% रजिस्टर करेंगे। सॉल्यूशन छोड़िए, अपने आप करते हैं। 111A का टैक्स कितना निकला, कैलकुलेटर निकाल लीजिए, 55,00,000 इंटू 15%, 55,00,000 इंटू 15%, 8,00,000
25,000 112A, कितनी इनकम है 8 लाख, 1 लाख कम कर दीजिए 70,000, बाकी इनकम कितनी बची मेरी डिविडेंड 95 लाख, अदर इनकम 70 लाख, कितना हुआ 1,65,00,000, नॉर्मल टैक्स निकालिए इस पर, पहले 10 लाख पर 1,12,500 और 1,55,00,000 पर 30%, 1,12,500 47,63,500 इज द टोटल टैक्स, आप क्या करेंगे आप इस पर सरचार्ज 15% रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, इस पे सरचार्ज 15% रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बैलेंस इनकम कितनी बची 95 + 70 कितना हुआ 1,65,00,000, इस पे तो वैसे ही मेरा लॉ के हिसाब से 15% आएगा, यहां मुझे बायफिकेशन की जरूरत नहीं है बिकॉज सारी जो मेरी अदर इनकम्स है उस पर टैक्स सरचार्ज कितना 15% लग रहा है। एग्जाम्पल 4 और करते हैं, केस 4, उससे ज्यादा क्लियरिटी आएगी। डिविडेंड इनकम 49 लाख, कैप गेंस 111A वाले 3 लाख, कैप गेंस 112A वाले 8 करोड़, अदर इनकम 6,59,00,000, लगाइए टैक्स। तो मुझे मालूम है आपके लिए थोड़ा मुश्किल है पहली क्लास के लिए, देखिए 3 लाख पर टैक्स बन गया मेरा 45,000, 112A में टैक्स बन गया मेरा 8 करोड़ में से 1 लाख कम कर दीजिए 79,90,000, अदर इनकम्स है मेरी 49 लाख प्लस 6,59,000, ये हो गया 668.7.08 crores, इस पर टैक्सेस लगाएंगे, पहले 10 लाख पर 1,12,500, अगले 6 करोड़ 98 लाख पर 30%, 2,09,40,000, 2,09,40,000, 2,10,52,500, क्लियर है। तो अब लॉ क्या कहता है, देखिए इस पे तो सरचार्ज 15% लगेगा, कोई डाउट नहीं, इस पे सरचार्ज 15% लगेगा, कोई डाउट नहीं। अब इसमें से जो डिविडेंड इनकम है कितनी है, डिविडेंड इनकम 49 लाख, सो 49 लाख डिवाइडेड बाय 7,08,00,000 इंटू टैक्स है 2,10,52,500, इस पे सरचार्ज लगेगा 15%, और बाकी इनकम कितनी है मेरी
6,49,709 × 210,52,500 इस पे लगेगा आपका 37%। तो एक काम करिए, डिविडेंड का मुझे मालूम आपके लिए अभी टफ है, ये मैं आपको दोबारा कराऊंगा। सो क्विकली समराइज करते हैं। जो इंडिविजुअल एचओएफ के केस में टैक्स रेट्स हैं उसे हम इंक्रीज करेंगे सरचार्ज से अप टू 50 लाख नो सरचार्ज, 50 लाख से 1 करोड़ 10% सरचार्ज, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15% सरचार्ज, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25% सरचार्ज, 5 करोड़ से ऊपर 37% सरचार्ज। ये तब है जब आपकी इनकम में कोई 111 ए वाले कैप गेन नहीं है, 112 ए वाले कैप गेन्स नहीं है और डिविडेंड इनकम नहीं है। अगर हैं तो इन तीन इनकम पे सरचार्ज 15% से ज्यादा नहीं लगाएंगे। तो देखिए, अगर ये तीन इनकम इंक्लूड करके भी इनकम 50 लाख तक की है, सरचार्ज है ही नहीं। 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ तक है, सरचार्ज 10%, कोई रिलीफ नहीं देना। अगर ये इनकम इंक्लूड करके इनकम 2 करोड़ तक की है, 1 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ तक की है, 15% सरचार्ज, कोई रिलीफ नहीं देना यहां पर। बट इन तीन इनकम्स को इंक्लूड करने के बाद इनकम 2 करोड़ से ऊपर आ रही है तो क्या करिए आप? इन तीन इनकम से जो टैक्स आएगा उस पे तो 15% सरचार्ज लगाएंगे, और इन तीन इनकम्स को छोड़कर जो बाकी इनकम्स हैं अगर वो 2 करोड़ तक की है तो उसके टैक्स पे 15% सरचार्ज, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की है 25% सरचार्ज, 5 करोड़ से ऊपर है 37% सरचार्ज। एग्जाम्पल 1 और 2 तो क्लियर है आपको। जो मैंने एग्जाम्पल 3 लिया काफी टफ है फॉर द फर्स्ट क्लास। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, जो डिविडेंड इनकम है उस पर जो मैं टैक्स निकाल रहा हूं, एवरेज रेट ऑफ टैक्स पे निकाल रहा हूं। एक बार करिएगा घर जाकर, हो जाता है ठीक है, नहीं तो इसे हम डिविडेंड के चैप्टर में दोबारा करेंगे। सो एग्जाम्पल 3 अगर आपसे नहीं हो पा रहा कोई दिक्कत नहीं, हम इसे दोबारा करेंगे डिविडेंड के चैप्टर में, बट थोड़ा सा लॉजिक लगा के करेंगे हो जाएगा। ओके, चलिए एक क्विक ब्रेक लेते हैं, आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा, मेरा भी रिलैक्स हो जाएगा। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, लेट्स टेक अ ब्रेक।
VG Learning Destination with content partner Packer presents the Certified Management Accountant Program CMA. Be a part of the change. Live online and recorded classes. Contact cma@vgldi.com. Hi, this is Neha. She is about to complete school and wants to make a head start in her career. She knows that only graduation will not give her an edge. She only knows about the traditional options, such as BCom, MBA, BBA, CA. But she doesn't want that. She is looking for something that gives her a professional advantage in the future. A professional qualification with a global value. That's when she discovers ACCA, a globally recognized qualification of certified accountants, recognized in over 181 countries. She thought it must be expensive, but thanks to VG Learning for providing affordable coaching, scholarship and guidance to students if you wish to choose the best career option for your child. Giving two international qualifications without a visa. Call now to speak to a counselor. Can you please start the class? So, aap logo se break mein baat hui, to pata chala confusion kahan se hua hai. मेरे ख्याल से मैंने ही गलत बोल दिया. डिविडेंड इनकम शॉर्ट टर्म कैप गेंस 111A, लॉन्ग टर्म कैप गेंस 112A. आपको कंफ्यूजन इसलिए आ रहा है, मैंने एक लाइन गलत बोल दी थी. मैंने कहा था कि अगर इन तीन इनकम्स की वजह से इनकम 2 करोड़ से ऊपर जा रही है तो अमेंडमेंट लग जाएगी. गलत बोला था मैंने. सो मैंने एक लाइन गलत बोल दी थी जिस वजह से आप में से काफी लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है. मैंने ब्रेक से पहले बोला था कि अगर इन तीन इनकम्स की वजह से इनकम 2 करोड़ से ऊपर जा रही है तो रिलैक्सेशन मिलेगी. ये गलत था. सही लाइन ये है कि अगर टोटल इनकम, अगर इंडिविजुअल के केस में, एचयूएफ के केस में टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर है और अगर ये तीन में से कोई भी इनकम है तो अमेंडमेंट्स लगेंगी. आई रिपीट, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर है और इन तीनों में से कोई भी इनकम है, या फिर तीनों इनकम है या दो इनकम है या तीनों इनकम है या कोई भी एक इनकम है तो रिलीफ मिलेगा 15% सरचार्ज वाला. सो आई टेक बैक माई वर्ड्स. मैंने ब्रेक से पहले गलत बोल दिया था कि अगर इन तीन इनकम्स की वजह से इनकम 2 करोड़ पर जा रही है तो अमेंडमेंट लगेंगे. नो, इट इज इनकरेक्ट. करेक्ट वर्जन इज कि अगर 2 करोड़ से ऊपर टोटल इनकम है और इनमें से कोई भी इनकम है तो इस पर जो टैक्स है वो 15% सरचार्ज इस पे सरचार्ज 15% रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा. दोबारा से देख लेते हैं. Page 2, अगर ये तीनों इनकम्स नहीं है, 50 लाख से ऊपर तक नो सरचार्ज, 50 लाख से 1 करोड़ 10% सरचार्ज, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15% सरचार्ज, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25% सरचार्ज, 5 करोड़ से ऊपर 37% सरचार्ज. और अगर इन तीनों में से कोई भी इनकम है तो रिलीफ तब मिलेगा इनकम 2 करोड़ से ऊपर एक्सीड कर रही है. यानी 50 लाख तक है नो सरचार्ज, 50 लाख से ऊपर है 1 करोड़ तक है टोटल टैक्स पे 10% सरचार्ज, 1 करोड़ से ऊपर इनकम बन रही है 2 करोड़ तक है टोटल टैक्स पे 15% सरचार्ज, और हां अगर 2 करोड़ से ऊपर इनकम है तो ये जो तीन इनकम्स हैं, लॉन्ग टर्म कैप गेंस 111A वाले, शॉर्ट टर्म कैप गेंस 111A वाले एंड डिविडेंड इनकम, इस पर जो टैक्स निकलेगा इल बी उस पर सरचार्ज 15% रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए. ठीक है, और बाकी इनकम्स अगर 2 करोड़ तक की हैं तो 15% सरचार्ज उसे टैक्स पर, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की हैं
25% सरचार्ज और 5 करोड़ से ऊपर है तो अदर इनकम से जो टैक्स है उस पर 37% सरचार्ज। एग्जाम्पल 1 और 2 बहुत क्लियर है आपको, यहां सिर्फ बिजनेस इनकम कैप गेन से इनकम 2,11,00,000 है, रिलीफ लगेगा। इन दो पर सरचार्ज 15% और इस पर भी सरचार्ज 15%। एग्जाम्पल 2, लॉन्ग टर्म कैप गेन शॉर्ट टर्म कैप गेन जो टैक्स है उस पर 15% सरचार्ज और इस इनकम पर जो टैक्स आ रहा है उस पर सरचार्ज 25%। एग्जाम्पल 3 में क्या है देखिए बच्चों, इसमें मैंने डिविडेंड इनकम भी ले ली है। डिविडेंड इनकम पर नॉर्मल टैक्स लगता है, नॉर्मल टैक्स स्लैब्स लगते हैं, टैक्स रेट्स लगते हैं। तो देखिए जहां इनकम 1,80,00,000 है वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सरचार्ज 15% रहेगा। जहां इनकम 3 करोड़ है कैप गेन्स पर 111A, 112A पे जो टैक्स है इस पे सरचार्ज 15% रिस्ट्रिक्ट करेंगे और जो 2,65,00,000 की मेरी अदर इनकम्स हैं इंक्लूडिंग डिविडेंड उस पे टैक्स निकाल लीजिए 77,62,500। इसमें जो डिविडेंड पर टैक्स लगा है वो कैसे निकालेंगे, एवरेज रेट ऑफ टैक्स लेकर 77,62,500 लगा टैक्स किस पर, 2,65,00,000 पर। सो 77,62,500 टैक्स लगा 2,65,00,000 पर, तो डिविडेंड पर टैक्स होता हुआ डिविडेंड मेरा 40,00,000। इस पे सरचार्ज लगा दीजिए 15% और जो मेरी अदर देन डिविडेंड इनकम बची वो कितनी बची, 2,25,00,000 77,62,500 2,65,00,000 × 2,25,00,000 इस पे सरचार्ज लगा दीजिए 25%। क्लियर है? सो एक बार करिएगा, नहीं होगा तो मैं आपको करा दूंगा दोबारा से। सो एग्जाम्पल 3 हम दोबारा करेंगे जब हम डिविडेंड का चैप्टर करेंगे। सो आप लोगों से जिनसे एग्जाम्पल 3 हैंडल नहीं हो पा रहा अभी छोड़ दीजिएगा, डिविडेंड के चैप्टर में दोबारा कर लेंगे। चलिए, हमने इंडिविजुअल HUF के टैक्स रेट की बात कर ली। लोकल अथॉरिटी पर टैक्स रेट होता है फ्लैट 30%। और आप देखिए बाकी एसएससी पे सरचार्ज है 12% अगर इनकम 1 करोड़ से एक्सीड करती है। तो इनकम टैक्स 12% सरचार्ज से बढ़ा दिया जाएगा इफ टोटल इनकम लोकल अथॉरिटी एक्सीड ₹1 करोड़। फर्म के केस में 30% फ्लैट रेट, यहां पर भी सरचार्ज 12% लगाया जाएगा अगर इनकम एक्सीड 1 करोड़ डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी में आप देखिए टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स प्रीवियस ईयर 1920 की अगर 400 करोड़ तक की है तो टैक्स 25%। सो प्रीवियस ईयर 1920 की जो सेल्स हैं रिसीट्स हैं अगर 400 करोड़ तक की हैं तो असेसमेंट ईयर 2022-23 में टैक्स लगेगा 25% और अगर 400 करोड़ से ऊपर है तो लगेगा 30%। सरचार्ज लगेगा अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से एक्सीड कर रही है, 10 करोड़ तक है तो 7% सरचार्ज है और अगर 10 करोड़ से एक्सीड कर रही है सरचार्ज इज 12%। अगर आप फॉरेन कंपनी है तो टैक्स रेट इज एज हाई एज 40% और इस पे हम सरचार्ज लगाएंगे
अगर इनकम 1 करोड़ से एक्सीड कर रही है, 10 करोड़ तक है तो 2% सरचार्ज है, और 10 करोड़ से इनकम एक्सीड कर रही है तो सरचार्ज 5%। कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर इनकम 10,000 रुपए तक है 10% ऑफ टोटल इनकम, अगर 10,000 से एक्सीड कर रही है 20,000 तक है 1,000 रुपीज प्लस 20% अमाउंट विच एक्सीड 10,000, और अगर 20,000 से ऊपर है 3,000 रुपीज प्लस 30% अमाउंट बाय विच टोटल इनकम एक्सीड 30,000, और यहां पर भी सरचार्ज बढ़ेगा 12% इफ इनकम एक्सीड रुपीज 1 करोड़। टू समराइज, इंडिविजुअल में सरचार्ज है 50 लाख तक निल, 50 से 1 करोड़ 10%, 1 से 2 15%, 2 से 5 25%, 5 से ऊपर 37%, बाकी सब असेसीज एक्सेप्ट कंपनीज अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है 12% सरचार्ज डोमेस्टिक कंपनी। टैक्स रेट है, अगर प्रीवियस है 1920 का टर्नओवर 400 करोड़ या उससे कम है तो असेसमेंट या 22-23 में टैक्स लगेगा 25%, अगर 400 करोड़ से ऊपर है तो 30%। डोमेस्टिक कंपनी के केस में 1 करोड़ से ऊपर इनकम है 10 करोड़ तक है तो सरचार्ज है 7%, 10 करोड़ से ऊपर इनकम है सरचार्ज 12%। फॉरेन कंपनी में टैक्स रेट है 40%, इनकम अप टू 1 करोड़ नो सरचार्ज, 1 करोड़ टू 10 करोड़ 2% सरचार्ज, एंड 10 करोड़ से ऊपर 5% सरचार्ज। अच्छा, अगर नई कंपनी है, आपको क्वेश्चन है कि लॉ कहता है प्रीवियस या 1920 का टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है कंपनी की केस में तो 25% टैक्स लगेगा असेसमेंट ईयर 22-23। अगर कंपनी मेरी बनी ही लेट्स से 1420 को है तो देखिए तब भी 1920 में टर्नओवर 0 था मेरा, टैक्स रेट 25% रहेगा। सो प्रीवियस है 1920 में अगर कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं भी थी तो हम टर्नओवर 0 मानेंगे एंड टैक्स रेट इन असेसमेंट ईयर 22-23 विल बी 25%। So, थोड़ा सा मैं एक्सेस हो रहा आपके लिए, आज पहली क्लास है बट टैक्स रेट से मुझे कवर करनी है। अब देखिए एक इशू देखिए, अच्छा प्लीज डू नॉट मिक्स दिस विद जो कैप गेन्स के हमने इशू किया था ना, भी लॉन्ग टर्म गेम शॉर्ट टर्म गेम, उससे मिक्स अभी मत करिएगा, मैं आगे जाके मिक्स कराऊंगा। आपके फादर साहब है एज 52 ईयर्स, उनकी इनकम है 50 लाख, ठीक है, टैक्स कितना बना 10 लाख पर 1,12,500, 40 लाख पे 30% 12 लाख, सो टैक्स बन गया 13,12,500। सरचार्ज कितना बना उनका निल, सरचार्ज तब लगता है इफ द इनकम एक्सीड्स 50 लाख। अब देखिए आपके अंकल हैं लेट्स से सेम एज, उनकी इनकम सिर्फ 10,000 रुपए ज्यादा आपसे फादर से, 50,10,000, टैक्स कितना हो गया 10,000 पे 30% लगा दीजिए ना 3,000, 13,15,500। बट अब क्या है, सिंस इनकम एक्सीड्स 50 लाख, 10% सरचार्ज लग गया, और सरचार्ज देखा कितना लगा 10%, 1,31,550।
टोटल टैक्स लायबिलिटी आपके अंकल की कितनी हो गई? 50, 5 में 10, 1, 2, 3, ये देखिए, सो आपके फादर हैं 52 इयर्स, उनकी टोटल इनकम है 50 लाख। तो अभी प्लीज इसमें लॉन्ग टर्म कैप गेन, शॉर्ट टर्म कैप गेन, डिविडेंड की मिक्सिंग आप मत करिएगा, मैं आपको लेटर स्टेज पे कराऊंगा। आज पहली क्लास है, सब कुछ हॉचपॉच हो जाएगा। नहीं तो आपके अंकल हैं 52 इयर्स, इनकम सिर्फ 10,000 रुपए ज्यादा आपके फादर से, 50,10,000, टैक्स 3,000 रुपए फालतू बन जाएगा 10,000 पर, 13,15,500। बट अंकल पर सिंस इनकम 50 लाख से एक्सीड कर गई है, 10% सरचार्ज लग गया, हिज टैक्स लायबिलिटी बिकम्स 14,47,050। अब देखिए इनकम में सिर्फ फर्क कितना है, 10,000 रुपए का, और टैक्स लायबिलिटी कितने से बड़ी है, 1,34,550। यानी अगर मेरा इनकम 50 लाख है, माई लायबिलिटी 13,12,500, बट जहां मेरी इनकम 50,10,000 हो गई, माई टैक्स लायबिलिटी इज 14,47,050। यानी इनकम 10,000 से बढ़ रही है बट लायबिलिटी बढ़ रही है 1,34,550। दिस इज बिकॉज ऑफ सरचार्ज, अनफेयर है। आई होप इशू समझ में आ रहा है आपको। सो देखिए यहां दो इंडिविजुअल कंपेयर करिए, एक की इनकम एग्जैक्टली 50 लाख ले लेते हैं, एक की इनकम 50,10,000, इस पर सरचार्ज नहीं लग रहा, 13,12,500 इस लायबिलिटी, बट जहां 10,000 इनकम बढ़ गई, 3,000 टैक्स बढ़ गया, बट सरचार्ज 10% लग गया, लायबिलिटी 1,34,50,550 से बढ़ गई। यानी इनकम सिर्फ 10,000 से बढ़ रही है और लायबिलिटी बढ़ रही है 1,34,550 से। गवर्नमेंट सेज इट्स अनफेयर। यहां हम मार्जिनल रिलीफ देते हैं आपको, मार्जिनल रिलीफ में क्या होगा, जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी लायबिलिटी उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। यानी कि यहां जैसे इनकम हुई 50,10,000, तो जो टैक्स लायबिलिटी है 13,12,500 + 10,000, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। यानी जितनी इनकम बढ़ रही है उससे ज्यादा आपकी लायबिलिटी नहीं बढ़ेगी। यानी अंकल के केस में जो लायबिलिटी है इल बी रिस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 50 लाख 13,12,500 प्लस जितनी इनकम 50 लाख से एक्सीड कर रही, 10,000। यानी टैक्स लायबिलिटी इंक्लूडिंग सरचार्ज विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 13,22,500। आ रहा समझ में? यानी 50 लाख से जितनी इनकम ऊपर आगे बढ़ेगी, ठीक है, तो हम लायबिलिटी को आपकी फ्रीज कर देते हैं कि जो टैक्स बनता है 50 लाख पर प्लस जितनी आपकी इनकम बढ़ रही है उससे ज्यादा आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी। देखिएगा मार्जिनल रिलीफ, इन केस ऑफ इंडिविजुअल HUF वेयर टोटल इनकम एक्सीड 50 लाख बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, द एग्रीगेट ऑफ इनकम टैक्स एंड सरचार्ज विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 50 लाख प्लस टोटल इनकम माइनस 50 लाख। इन माई एग्जाम्पल टैक्स ऑन 50 लाख 13,12,500 प्लस
टोटल इनकम माइनस 50 लाख 10,000 फॉर एग्जांपल, टोटल इनकम है 50 लाख, टैक्स बना 13,12,500, सरचार्ज निल है, इनकम हो गई 50,10,000, टैक्स हो गया 13,15,500 प्लस सरचार्ज बन गया 1,31,550। बट अब लॉ कहता है कि हम आपकी लायबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे किस पर, टैक्स ऑन 50,13,12,500 प्लस 10,000 रुपए। सो वैसे टैक्स बन रहा था 14,47,050, बट इसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया 13,12,500 प्लस 10,000 13,22,500। इनकम हुई 50,20,000, टैक्स बना 13,18,500, सरचार्ज बना 1,31,550, टोटल 14,50,350। बट अब क्या करेंगे हम, टैक्स ऑन 50,13,12,500 प्लस जितनी इनकम बढ़ी है 20,000 13,32,500 रजिस्ट्रिक्ट कर देंगे 13,32,500। अगर इनकम हो गई 52 लाख, टैक्स बना 13,72,500 प्लस सरचार्ज 15,09,750। यहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बिकॉज इनकम बढ़े 1 लाख से और लायबिलिटी बढ़ रही है मेरी 2 लाख से 52 लाख, 52 लाख है तो ये हो गया, यहां इनकम बढ़ी 2 लाख से बट टैक्स लायबिलिटी मेरी 2 लाख से ऊपर नहीं बढ़ रही है, इसलिए रिस्ट्रिक्शन नहीं करेंगे, मार्जिनल रिलीफ नहीं देंगे। ठीक है, सो टैक्स ऑन 50 लाख इंडिविजुअल एचओ के केस में इनकम अगर 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ से कम है, तो हम टैक्स एंड सरचार्ज को रिस्ट्रिक्ट करेंगे टैक्स ऑन 50 लाख प्लस टैक्स प्लस टोटल इनकम माइनस 50 लाख, इस पर रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अब देखिए इनकम है एग्जैक्टली 1 करोड़, टैक्स कितना बना 1 करोड़, 10 लाख पर 1,12,500, 10 लाख पर 1,12,500, 90 लाख पर 27 लाख, 28,12,500। सरचार्ज लगेगा कितना 10%, बिकॉज इनकम अप टू 1 करोड़ है, सरचार्ज लग गया मेरा टैक्स, सरचार्ज है 281,250, अब इनकम को हम सिर्फ 10,000 रुपए बढ़ा के देखते हैं, 1 करोड़ 10,000 कर देते हैं, टैक्स हो गया 3,000 पड़ जाएगा टैक्स, 28,15,500, बट सरचार्ज मेरा 15% लग जाएगा, सरचार्ज मेरा 15% लग जाएगा, 15% बचा बना 28,15,500 into 0.15, 4,22,325, ये देखिए इनकम बढ़ी सिर्फ 10,000 रुपए से, बट टैक्स लायबिलिटी देखिए बहुत ज्यादा बढ़ गई। सो इनकम 10,000 से बढ़ रही है एंड टैक्स लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग बाय 32,37,825 - 30,93,750।
144,075 से मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है। इस केस में लॉ कहता है क्या करिए, आप मार्जिन रिलीफ कैसे दीजिए? अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ तक है, तो क्या करिए, टैक्स एंड सरचार्ज को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, टैक्स एंड सरचार्ज ऑन 1 करोड़, ये फिर क्या भाई, टैक्स एंड सरचार्ज ऑन 1 करोड़ 30,93,750 प्लस जितनी इनकम बढ़ी है। इनकम बढ़ी 10,000, यानी 10,000 रुपए अवॉइड कर दीजिए, 31,03,750 इज द टोटल टैक्स लायबिलिटी। इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचओ विद द टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ 2 करोड़, एग्रीगेट ऑफ इनकम टैक्स सरचार्ज शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 1 करोड़ विद सरचार्ज ऑफ 10% प्लस टोटल इनकम माइनस 1 करोड़। एग्जाम्पल देखिए, एक करोड़ की इनकम, टैक्स है 28,12,500, सरचार्ज है इतना, और जैसी 10,000 रुपये इनकम बढ़ी, 1 लाख बढ़ाई मैंने, 1 लाख यहां मेरा टैक्स बन गया, ये सरचार्ज बन गया, ये दिस इज यानी इंक्रीज इन लायबिलिटी इज मोर देन 1 लाख रुपीज। तो क्या करेंगे इसे, अब टैक्स ऑन 1 करोड़ विद सरचार्ज ऑफ 10% 30,93,750 प्लस जितनी इनकम बढ़ी है उतनी लायबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं, यानी 31,93,750 पर स्टिक कर देंगे इसे। सेम रिलीफ हम देंगे इन केस इनकम एक्सीड 2 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, तो टैक्स ऑन 2 करोड़ निकाल लीजिए विद सरचार्ज ऑफ 15% प्लस टोटल इनकम माइनस 2 करोड़, इस पर रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। इनकम 5 करोड़ से एक्सीड कर रही है, टैक्स ऑन 5 करोड़ निकाल लीजिए विद सरचार्ज ऑफ 25% प्लस टोटल इनकम माइनस 5 करोड़, इस पर रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। सेम हम करेंगे फॉर कंपनीज ऑल्सो। अच्छा देखिए, कम 5 करोड़ की इंडिविजुअल की इनकम है 5 करोड़, इस पर टैक्स बना इतना, सरचार्ज बना 25% इतना। अब इनकम से 5 लाख बढ़ाई, टैक्स इतना हो गया बट सरचार्ज हो गया मेरा 37%, इसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे 185,15,625 प्लस 5 लाख यानी 190,15,625 पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं। सो सिंपली आपको प्रैक्टिस करना ही है। ऐसे डोमेस्टिक कंपनी का है मैंने, ऐसे मैंने डोमेस्टिक कंपनी का निकाला है। सो ये रिलीफ प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर हो जाएगा आपको। एक रिबेट होती है 87A में, वो एचओएफ को नहीं मिलती है। इंस्टीट्यूट का एक एमसीक्यू है जहां पर उन्होंने एचयूएफ से कंफ्यूज किया कराया आपको। सो 87A रिबेट इज ओनली फॉर इंडिविजुअल्स, और 87A रिबेट तभी मिलेगी अगर आप रेजिडेंट हैं और टोटल इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं कर रही है। तो जितना आपका टैक्स बना या 12,500 जो भी लेस है, That is the rebate under 87A. तो देखिए, आज 5 लाख तक की इनकम होती है तो मेरा टैक्स नहीं बनता, बिकॉज 5 लाख पर टैक्स बनता है 12,500, और 12,500 का ही मेरा रिबेट है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि अगर मेरी लॉटरी इनकम है 3 लाख की और कोई और इनकम नहीं है, लॉटरी इनकम में 30% फ्लैट रेट लगता है, 3 लाख की लॉटरी इनकम 30% 90,000, तो क्या मुझे रिबेट मिलेगी? यस, 12,500 मिल जाएगी। सो लॉ ने कहीं मना नहीं किया कि लॉटरी इनकम पर रिबेट नहीं है, ओनली थिंग इज
टोटल इनकम शुड नॉट एक्सीड रुपीज 5 लाख. आप इंडिविजुअल है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं है, तो जो भी आपका टैक्स बना उसमें से 100% ऑफ टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर इज द रिबेट अंडर 87A. हाँ, एक बात और है, नेक्स्ट पेज पे देखिए, जो लॉन्ग टर्म कैप गेन्स 111A वाले होते हैं उस पर रिबेट नहीं मिलती है, 112A वाले, सॉरी. सो लॉन्ग टर्म कैप गेन्स 112A वाले पर रिबेट अंडर 87A इज नॉट अवेलेबल. जो भी आप टैक्स निकालते हैं आफ्टर अप्लाइंग सरचार्ज, आफ्टर गिविंग मार्जिन रिलीफ, उसको इंक्रीज करेंगे बाय 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. इनकम को हम राउंड ऑफ करते हैं टू नियरेस्ट 10 रुपी, नियरेस्ट 10 रुपी, पैसों को इग्नोर कर देते हैं. और अगर मेरी इनकम है लेट्स से 3,65,556, यानी जो लास्ट फिगर है अगर वो 5 और मोर है तो नेक्स्ट 10 में राउंड ऑफ कर देंगे, यानी इसे कर देंगे 365,560 कर देंगे. और अगर लास्ट फिगर 5 से कम है तो 550 कर देंगे, पहले 10 में राउंड ऑफ कर देंगे. इस तरह टैक्स की राउंडिंग ऑफ होती है. टैक्स को भी हम मल्टीपल ऑफ 10 में राउंड ऑफ करते हैं, और अगर टैक्स से फिगर 5, आखिरी फिगर 5 या उससे ज्यादा है तो नेक्स्ट 10 में राउंड ऑफ कर देंगे, अगर 5 से कम है तो पहले 10 में राउंड ऑफ कर देंगे. एक इशू जो लास्ट टाइम एग्जाम में आ गया इन MCQ, अगर आप बॉर्न हुए हैं 1 अप्रैल 1962, अगर आप बॉर्न हुए हैं 1 अप्रैल 1962 को, तो देखिए 31 मार्च 2022 में 60 साल पूरे हुए. क्या 60 साल इस दिन पूरे मानेंगे आप या 1/4/22 को पूरे मानेंगे? दैट्स द इशू. सो एक मिनट, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. सो टेक्निकली 1/4/22 को आपके 60 साल पूरे हो रहे हैं, यानी अगले साल 3 लाख का स्लैब मिलेगा. बट बोर्ड कहता है नो, बोर्ड कहता है कि अगर आप 1 अप्रैल को पैदा हुए हैं तो इफ अ पर्सन इज बॉर्न ऑन 1 अप्रैल, वो माना जाएगा उसने 31 मार्च को 60 साल कंप्लीट कर लिए द डे प्रिसीडिंग द एनिवर्सरी ऑफ हिज बर्थडे. यानी कि यहां हम 1/4/2260 साल पर भी पूरे नहीं मानेंगे, हम 31 दिन 2260 साल पूरे मान लेंगे. एंड अकॉर्डिंगली उसे 3 लाख का स्लैब मिल जाएगा इन प्रीवियस 22. सो अगर ये बोर्ड का सर्कुलर नहीं होता तो हम कहते कि ये बंदा 60 ईयर्स का 31 मार्च 2023 में हो रहा है, एंड देयरफॉर फॉर प्रीवियस 22 नॉर्मल स्लैब ऑफ 250 विल बी एप्लीकेबल. बट बोर्ड सेज कि अगर आप का जो भी बर्थडे है उसे 1 दिन पहले माना जाएगा कि आपने डेट कंप्लीट कर ली है. इफ अ पर्सन इज बॉर्न ऑन 1 अप्रैल 1962 और 1942, देन ही शैल गेट द स्लैब ऑफ 3 लाख 5 लाख इन प्रीवियस ईयर 22, बिकॉज द बोर्ड सेज अ पर्सन बॉर्न ऑन 1 अप्रैल विल बी कंसिडर्ड टू हैव अटेन्ड द पर्टिकुलर एज ऑन 31 मार्च द डे प्रीसीडिंग द एनिवर्सरी ऑफ हिज बर्थ.
सो मुझे मालूम है थोड़ा सा लेक्चर हैवी हो गया, बट मुझे ये टारगेट था आज का कि टैक्स रेट्स वगैरह आपको एक बार करा दूं ताकि आगे क्लासेस में हमें दिक्कत ना आए। तो एक बार मार्जिन रिलीफ देखिएगा, प्लस जो मैंने अमेंडमेंट कराई आपको 2 करोड़ से ऊपर वाली वो देखिएगा, और मार्जिन रिलीफ और उसको मिक्स मत करिएगा, मिक्स में आपको करना सिखाऊंगा। सो नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे, सो ये चैप्टर आप कंप्लीट कर लीजिएगा, और टैक्स रेट शुड बी नोन टू यू बाय हार्ट। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, जिसे हम एब्रीवेट करते हैं SPGBP। थोड़ा सा एक स्टार्टिंग करा देता हूं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। एक सेक्शन होता है 10-10D। सो कुछ PGBP से रिलेटेड करा रहा हूं आपको, कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। एक सेक्शन 10 होता है जहां इनकम एग्जेम्प्ट होती है, वहां होता है एक सेक्शन 10-10D, जिसमें आपको इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी पैसा मिलता है लाइफ इंश्योरेंस पर, वो टोटली एग्जेम्प्ट होता है। सो एक सेक्शन 10-10D होता है जो अमेंडमेंट से पहले कहता था कि असेसी को इंश्योरेंस कंपनी से अगर लाइफ इंश्योरेंस का कुछ भी पैसा मिलता है, मैच्योरिटी पर, डेथ पर, बोनसेस मिलते हैं, पॉलिसी ड्यू हो गई, पैसा मिल गया, तो सारा एग्जेम्प्ट। एक पॉलिसी होती है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें कंपनी अपना की मैन डेजिग्नेट कर सकती है इंश्योरेंस कंपनी को, यह हमारा की मैन है और उसके लाइफ पर हम इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, यह हमारा की मैन है, उसकी लाइफ पर हम इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। और लेट्स से इंश्योरेंस लिया 5 करोड़ रुपए का, मैनेजिंग डायरेक्टर इज द की मैन। अब कंपनी जो भी प्रीमियम देगी, कंपनी को प्रीमियम की डिडक्शन मिल जाती है। सो ये बड़ा सेटल लॉ है कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में जो प्रीमियम कंपनी पे करती है, इट इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 37(1). कंपनी ने ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ये 25 लाख का प्रीमियम पे किया, डिडक्शन मिल गई, उतना टैक्स बच गया। रफली लगा लीजिए 30% टैक्स रेट है, 7.5 लाख रुपए की टैक्स सेविंग हो गई। प्लस अगर कीमैन की डेथ हो जाती है तो कंपनी को ये 5 करोड़ मिलेगा, अगर कीमैन की डेथ हो जाती है तो कंपनी को ये 5 करोड़ मिल जाएगा। हर पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू होती है कि पॉलिसी को आप सरेंडर करना चाहे तो आपको इतने पैसे मिल जाते हैं। पहले ईयर में सरेंडर करेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, दूसरे ईयर में सरेंडर करेंगे आपको 20 लाख मिलेगा, तीसरे साल में सरेंडर करेंगे आपको 40 लाख मिल जाएगा, चौथे साल में सरेंडर करेंगे आपको ऐसे 70 लाख मिल जाएगा।
सो कंपनी ने 5 करोड़ की कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी ली ऑन द लाइफ ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रीमियम दिया फर्स्ट 4 ईयर्स और ये सरेंडर वैल्यू है। अब कंपनी क्या करती है, फोर्थ ईयर में इस पॉलिसी को सरेंडर कर देती है इन फेवर ऑफ एमडी। कंपनी फोर्थ ईयर में पॉलिसी को सरेंडर कर देती है इन फेवर ऑफ एमडी और एमडी को 70 लाख मिल जाता है। और सिंस ये पैसा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मिल रहा है, सेक्शन 1020 में एग्जेम्प्ट हो गया। तो देखिए कंपनी क्या प्लानिंग कर गई, 1 करोड़ का प्रीमियम दिया, 30 लाख का टैक्स बचा गई, इधर जो 70 लाख डायरेक्टर को मिला वो नॉन टैक्सेबल हो गया, इट्स एग्जेम्प्ट अंडर 1020। और ये प्लानिंग काफी लोगों ने की एंड लॉ मेकर्स ने अमेंडमेंट्स की। सेक्शन 1010D में अमेंडमेंट आई, सेक्शन 1010D में अमेंडमेंट आई, सेक्शन 1617 में अमेंडमेंट आई, सेक्शन 28 में अमेंडमेंट आई, सेक्शन 56 एंड 57 में अमेंडमेंट आई। 1617 डील करते हैं सैलरी से, सेक्शन 20 डील करता है बिजनेस इनकम से, 56, 57 डील करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इस टैक्स प्लानिंग को नलिफाई किया गया, लिखा गया कि अगर कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा मिलता है वो 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं होगा। अगर कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा मिलता है That will not be exempt under 1010D. अगर एम्प्लॉय को मिलता है यह पैसा, जैसे MD इज एम्प्लॉय, तो उसे हम सैलरी में टैक्स कर देंगे। जो 70 लाख मिला MD को, इट बी टैक्सेबल एज सैलरी। और अगर कंपनी को पैसा मिलता है ये मतलब मैच्योरिटी पे या डेथ पर अगर कंपनी को पैसा मिलेगा It'll be taxable as business income. अब लॉ मेकर्स ने आगे की सोची, जैसे धीरू भाई अंबानी थे, धीरू भाई अंबानी चेयरमैन एमेरिटस थे, चेयरमैन एमेरिटस यानी जब तक उनकी डेथ नहीं होगी वे चेयरमैन बने रहेंगे, बट वो रिलायंस से एक पैसा नहीं लेते थे, यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं था। अब सपोज धीरू भाई अंबानी को पॉलिसी एंडोर्स कर देते, ये सरेंडर कर देते, तो ना तो ये सैलरी है ना बिजनेस इनकम है, एंड देयरफॉर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस को चेंज किया गया कि अगर कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा मिलता है जो सैलरी में टैक्सेबल नहीं है, बिजनेस इनकम में टैक्सेबल नहीं है, वो हम टैक्स करेंगे अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी फटाफट एक बार वाइंड अप करेंगे। कंपनी अगर कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है जो प्रीमियम देती है वो डिडक्टेबल है, बट अगर डायरेक्टर की डेथ हो गई, कंपनी ने खुद पॉलिसी सरेंडर कर दी, कंपनी को अगर पैसा मिलेगा वो सेक्शन 28 में टैक्सेबल हो जाएगा। सेक्शन 1010D में लिख दिया गया कि कोई भी पैसा मिलेगा इंश्योरेंस पॉलिसी से एक्सेप्ट कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी दैट इज एग्जेम्प्ट, यानी कि कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा मिलेगा दैट इज टैक्सेबल। सेक्शन 1617 सैलरी का चेंज किया गया, जहां लिखा गया कि अगर इंप्लॉय को पैसा मिलता है, जैसे आपने एमडी के फेवर में पॉलिसी एंडोर्स कर दी, इल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर सैलरी 28। अगर कंपनी को पैसा मिलता है इट्स बी टैक्सेबल इज बिजनेस इनकम। और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, जैसे धीरू भाई अंबानी चेयरमैन एमेरिटस को मिलता है, देन इट विल बी टैक्सेबल एज अदर सोर्सेस।
सो फ्रेंड्स, हमने आज पहली क्लास है, तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा एक्सपोजर देने जा रहा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है क्या। सो पहले एक घंटे में मैंने आपको बताया पहले बताया फाइनेंस एक्ट, आपके एग्जाम के लिए फाइनेंस एक्ट 21 एप्लीकेबल है फॉर मई 22 नवंबर 22 एग्जामिनेशन। फाइनेंस एक्ट 21 इज एप्लीकेबल फॉर यू पीपल, द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इज प्रीवियस ईयर 22, असेसमेंट ईयर 22-23। एओस असेसमेंट करते हैं, एओस तीन तरीके के होते हैं, जेसी, एसीडीसी, आईटीओ। अब नेशनल फेसलेस सेंटर आ गया, ई असेसमेंट सेंटर, तो डिस्कस करेंगे ये उसका क्या रेलेवेंस रह गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टॉप पे होता है सीबीडीटी, उसके नीचे होते हैं चीफ सीआईटीज, आल्सो नोन एज प्रिंसिपल चीफ सीआईटीज, उसके नीचे होते हैं सीआईटीज, आल्सो नोन एज प्रिंसिपल सीआईटी, सेम लेवल होता है सीआईटी अपील्स, बिलो डेट जेसी, बिलो डेट एसीडीसी, बिलो डेट आईटीओ। जेसी, एसीडीसी, आईटीओ असेसमेंट करते हैं, सीआईटी अपील्स अपील डिसाइड करता है। कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, जिनको हम प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर कहते हैं, वो सुपरवाइजरी पावर्स होती है उनकी, डिस्कस करेंगे पावर्स क्या होती है, बट उनके पास एक पावर होती है रिवीजन करने की 263-264 में, जहां एओ का ऑर्डर रिवाइज करते हैं वो लोग। 263 में रिवीजन करके सीआईटी, चीफ सीआईटी, जो एओ ने इनकम निकाली थी उसे बढ़ा सकता है, डिपार्टमेंट गेन करता है। 263 ऑर्डर इज अपीलेबल टू आईटीएटी, असेसी अपील कर सकता है। 264 रिवीजन बाय सीआईटी, जहां सीआईटी एओ का ऑर्डर रिवाइज करता है, इनकम कम करता है, एडिशन डिलीट करता है, या फिर उस ऑर्डर को कंफर्म भी कर सकता है, बट 264 इज टोटली नॉन अपीलेबल, उसके अगेंस्ट अपील पॉसिबल नहीं है। एओ के ऑर्डर के अगेंस्ट तीन रेमेडी होती हैं, अगर मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है तो 154 में ठीक करा लीजिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, जिसने गलती की है वो ठीक करेगा बाय पासिंग अ रेक्टिफिकेशन ऑर्डर। अगर मिस्टेक अपरेंट नहीं है तो अपील में चले जाइए, सीआईटी अपील्स, देन आईटीएटी, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट, या एक और रेमेडी है, आप 264 में जा सकते हैं, बट 264 ऑर्डर नॉन अपीलेबल होता है। लॉ में यह भी लिखा हुआ है कि सीआईटी अपील्स या रिवीजन 264 में से एक ही रूट चूज करेंगे, अगर आपने अपील रूट चूज कर लिया 264 क्लोज कर देंगे, 264 चूज कर लिया अपील बंद कर देंगे आपकी। लोग अपील में ही जाते हैं, 264 में तभी जाते हैं जब अपील का टाइम निकल गया है, अपील नहीं की गई है। तो मैंने कहा जस्टिस के दो दरवाजे हैं, अपील, रिवीजन, अपील में चले गए रिवीजन बंद, रिवीजन में चले गए अपील बंद। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नलिफाई हो सकता है ओनली थ्रू फाइनेंस एक्ट अमेंडमेंट। हमने फिर टैक्स रेट्स की बात की, इंडिविजुअल्स 2.5 लाख तक निल, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज 60 ईयर्स और मोर है, स्लैब इज 3 लाख। रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज 80 साल से ऊपर है या 80 साल है, स्लैब इज 5 लाख। हमने ये भी बात की कि अगर आप 1 अप्रैल को बॉर्न हुए हैं तो 31 मार्च जो पिछली है उस दिन माना जाएगा आपका बर्थडे कंप्लीट हो गया, यानी अगर आप 1 अप्रैल 1962 को बॉर्न हुए हैं तो अगर बोर्ड सर्कुलर नहीं होता तो मैं 1/4/22 को 60 साल कंप्लीट करता, यानी प्रीवियस ईयर 22 में मुझे 3 लाख का स्लैब नहीं मिलता, बट बोर्ड का सर्कुलर कहता है कि हम अगर 1 अप्रैल को पैदा हुए हैं आप तो 31 मार्च को मान लेंगे आपका बर्थडे पूरा हो गया है, 60 साल पूरे हो गए हैं। तो अगर आप 1 अप्रैल 1962 या 1 अप्रैल 1942 को बॉर्न हुए हैं तो आपको प्रीवियस ईयर 22-23 में 3 लाख 5 लाख का स्लैब मिल जाएगा। इंडिविजुअल
HUF के केस में सरचार्ज है 50 लाख तक नील, 50 लाख से 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25%, 5 करोड़ से ऊपर 37%। अगर आपकी इंडिविजुअल HUF में डिविडेंड इनकम 111A वाले लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैप गेंस, लॉन्ग टर्म कैप गेंस 112A वाले हैं और इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो कुछ अमेंडमेंट है। जो टैक्स निकाला आपने 111A 112A डिविडेंड इनकम, इस पे सरचार्ज 15% ही रहेगा। बाकी इनकम्स अगर 2 करोड़ तक है तो 15%, 2 से 5 है 25%, 5 से ऊपर है 37%। फर्म के केस में टैक्स रेट फर्म के केस में टैक्स रेट 30%, लोकल अथॉरिटी 30% और या सरचार्ज लगेगा इफ इनकम एक्सीड 1 करोड़ डोमेस्टिक कंपनी। अगर टर्नओवर 1920 प्रीवियस का 400 करोड़ तक है 25% और अगर उससे ज्यादा है तो टैक्स रेट है 30%। 1920 प्रीवियस में कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं थी तो भी टैक्स रेट 25% का बेनिफिट मिल जाएगा बिकॉज टर्नओवर 0 माना जाएगा उस साल का। डोमेस्टिक कंपनी में सरचार्ज 7% इफ इनकम इज अबव 1 करोड़ अप टू 10 करोड़, अबव 10 करोड़ इट इज 12%। फॉरेन कंपनी टैक्स रेट इज 40%, सरचार्ज अप टू 1 करोड़ निल, 1 करोड़ से 10 करोड़ 2%, 10 करोड़ से ऊपर 5%। कॉपरेटिव सोसाइटी 10,000 तक इनकम में 10% टैक्स, 10,000 से ऊपर 20,000 तक 20% और उसके ऊपर 30%। सरचार्ज लगेगा इफ इनकम एक्सीड 1 करोड़। हमने मार्जिन रिलीफ किया, इनकम अगर 50 लाख से एक्सीड करती है तो टैक्स रिस्ट्रिक्ट करेंगे टैक्स ऑन 50 लाख प्लस टोटल इनकम माइनस 50 लाख। इनकम अगर 1 करोड़ से एक्सीड करी अप टू 2 करोड़ से तो टैक्स ऑन 1 करोड़ विद सरचार्ज ऑफ 10% प्लस टोटल इनकम माइनस 1 करोड़। इस हमने फॉर्मूले बना के किए। 87A रिबेट मिलती है अगर टोटल इनकम 5 लाख तक की है, टैक्स या 12,500 विचेवर इज लेस। ये मिलती है सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को। 112A के लॉन्ग टर्म कैबिन्स पर रिबेट नहीं मिलती लेकिन लॉटरी इनकम पर यह रिबेट मिल जाएगी आपको। टोटल इनकम को राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 10 रुपी में और अगर लास्ट फिगर 5 या उससे ऊपर है तो नेक्स्ट 10 में राउंड ऑफ करेंगे, 5 से कम है तो पहले 10 में राउंड ऑफ करेंगे। इसी तरह टैक्स को राउंड ऑफ करते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफी है, सो विल स्टॉप हेयर एंड आज की क्लास पे इतना ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, मेन दिमाग लगाइएगा टैक्स रेट्स पे। सो नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग विद PGAP। सो बाय बाय।